जय गुड मॉर्निंग एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारी फाइनल रिपोर्टिंग की इस पावर बैच में चलिए स्वागत करते हैं इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पावर बैच में दोस्तों मे 2024 एग्जाम्स के लिए और ये हमारी पावर बैच धूम मचाने वाली है और ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम सत्तर के आंकड़े को भी पार कर दें इसमें थोड़ी मेहरी मेहनत और खूब सारी आपकी मेहनत लगने वाली है बट मजे की बात यह है कि ये सारी की सारी मेहनत हम साथ में करने वाले हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिरकार बच्चा पावर बैच ज्वाइन क्यों करता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग हा हा चलिए बड़ा बढ़िया लग रहा है हा 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 कैसे हैं आप लोग सब मैं कैसा लग रहा हूं आपको और हालात और हौसले कैसे हैं हम सबके इस सब पूरी एनर्जी के साथ और इन सवालों के जवाब के साथ शुरुआत करते हमारे आज के डिस्कशन का पहला पर्पस क्या है पावर बैच करने का आर बी सी सबसे पहले हमें करना है रिवाइज और क्यों नंबर वन पावर बैच शुरू यह सोच के की थी कि रेगुलर बैच का स्टूडेंट लेक्चर्स लेता है और उसकी एग्जाम होती है इन दोनों के बीच में साल दो साल तीन साल का गैप हो जाता है और इस कारण से ब्रश अप करने के लिए रिवाइज करने के लिए और चेंजेस को हैंडल करने के लिए रिविजन ब्रशअप एंड चेंजेस वो ये बैच करता है बट फिर हमने देखा कि स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एग्जाम दी है और किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाया वो भी चाहते हैं कि वो भी रिवाइज कर ले ब्रश अप कर ले तो फास्ट ट्रैक के हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल कराया गया बट फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि सर एफ में कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और हमें एक शॉर्ट बैच चाहिए और इस उद्देश्य से भी रिविजन कराया गया रिविजन कराया जाए चेंजेस हैंडल किए जाए एंड दैट इज वाई पावर बैच ली जाती है दिट इज मेन्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स द रेगुलर क्लास द फास्ट्रैक क्लास और देव टेकन एनी क्लास और डन सेल्फ स्टडी फ्रॉम एनी वेयर बट वॉन्ट टू ब्रश अप देयर कंसेप्ट लेकिन इन सबसे बड़ा एक और फायदा है क्या आप में से कोई बता सकता है कि सुबह सुबह की हमारी पावर बैच का इसके अलावा क्या फायदा है दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चे सुबह समय से उठ जाते हैं और एकदम रेडी होके सुबह सुबह का समय अपना चार घंटे का एक इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाएगा और यही नहीं अपने को डे टू डे का प्लान मिल जाएगा तो कैसे पावर बैच चलती है रेगुलर फास्टर में क्या डिफरेंस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक वीडियो का जिसमें वो सारी बातें समझाई गई है बाकी आप खुद क्लास देख लेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये हमारा उद्देश्य है कि फिफ्टीन डेज के हमारे लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ एफ आर विच आर रेलिवेंट फॉर द एग्जाम्स एंड वी विल ऑल्सो प्रैक्टिस रेलिवेंट क्वेश्चन और डिस्कस देम इफ नॉट प्रैक्टिस एंड आर डेली बेसिस गिव यू होमवर्क हर दूसरे तीसरे दिन आपका एक टेस्ट होगा ऑफ द चैप्टर्स विच वी हैव डन ताकि टोटल पंद्रह दिन में हम टोटल पांच टेस्ट आपके साथ कंडक्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि ये पंद्रह दिन क्लास के चार घंटे और इसके अलावा आपकी सेल्फ स्टडी के चार से छः घंटे और इतने में हम पंद्रह दिन में हमारा पूरा एफ कवर कर करें चलिए सो नहीं है सर सीधे यहाँ आ गए एक खुशखबरी है दोस्तों आप सभी के लिए और वो क्या पावर बैच इज अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स एफ आर रेगुलर फास्ट्रैग फ्री ऑफ चार्ज इस बैच के साथ आपको 50 परसेंट बैकअप मिलता है कई सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा इससे पहले कि मैं आपको यह बात बताऊं मैं बोल देता हूं भैया लाइक वाइक प्रेस नहीं किया है तो कर दो क्योंकि ये सुनने के बाद कई लोग तो निकल लेंगे बोले चलो 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 वापस से रजाई होल्ड लो तो कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमारी ऑफिस का इशू है या हमारा टाइम स्केड्यूल आपके टाइम स्केड्यूल से मैच नहीं कर रहा है मैंने इस भले उद्देश्य के साथ ये बात शुरू करी कि भाई आप क्या है सुबह सुबह एक बार आप आ जाओगे तो अपन लाइव पंद्रह दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे यही इसका उद्देश्य था बट ज्यादातर बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि सर हमें आपके साथ नहीं पढ़ना हम हमारा पढ़ लेंगे आप अपनी देख लो और इस कारण से आप तो हमें दे दो बैकअप हम हमारे हिसाब से देखना चाहेंगे आपके साथ नहीं देखना हमको लाइव वाइफ कुछ नहीं करना चलो बटो तो इसके लिए अब क्या कर दिया दोस्तों हमने पहले प्लान किया था कि पावर बैच लाइव के साथ आपको 50 परसेंट का बैकअप दिया जाएगा लेकिन अब ऐसे <coughs> शरारती तत्वों के कारण <laughs> चलिए 100 परसेंट बैकअप दे दिया गया बात पसंद आई हो तो हुर रहे करके जाइएगा दोस्तों और लाइक अगर प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिएगा बट बिलीव में दोस्तों बैकअप के लिए यह बैच नहीं है ये बैच का असली मजा साथ साथ में करने में है पंद्रह दिन बाद मैं ये सवाल पूछूंगा उन बच्चों से जिन्होंने क्लास करी और वो जो छूट गई जिनकी वो बताएंगे कि इट इज नॉट जस्ट द बैकअप बेसिकली इट इज द लाइव क्लास विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको 100 परसेंट बैकअप मिलेगा इसका मतलब एक व्यू लाइव का और एक एक्स्ट्रा व्यू आपको बैकअप का और ये 100 परसेंट बैकअप आपकी एग्जाम यानी कि दो मई तक और इनकेस अगर रिजल्ट के, के कारण कभी का एग्जाम आगे बढ़ गई तो जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी रिजल्ट एज इन इलेक्शन के कारण अगर बढ़ गई तो उस केस आपकी एग्जाम जब तक नहीं होगी तब तक के लिए आपके पास अवेलेबल होगा अब आते अपन सीक्वेंस तो मैंने कहा था मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर करूंगा मैं आपको सीक्वेंस दूंगा और सीक्वेंस के साथ ही मैं आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल आज टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर कर रखा है दोस्तों आपके साथ यहाँ पर आप वहां पर से जितनी चीज़ें मैं बोलूंगा टेलीग्राम में वहां से ले सकते हो या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो ये लिखा हुआ है इस सीक्वेंस में हम जाने वाले हैं हमारा फोकस होगा को ध्यान में रखते हुए और एग्जाम इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने के लिए काम आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका वेटेज अप्रोक्सिमेटली फिफ्टीन मार्क्स कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन अगेन टू ट्वेंटी मार्क्स शेयर बेस पेमेंट अगेन फाइव टू ट्वेल्व मार्क्स इसके बाद असेट रिलेटेड सारे स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग्स जिनका कंबाइंड वेटेज वन वन सिक्स ही अपने आप में पांच से दस मार्क का होता है कंबाइंड टू मार्क और रेवेन्यू रिलेटेड इंक्लूडिंग जिसका खुद का ही वेटेज कई बार एग्जाम में पंद्रह मार्क का होता है इसका मतलब दोस्तों बात पसंद आई हो तो हाहा हा चलिए इमो जी इसकी कमी दिख रही है आहा, आहा, कम दिख रहे हैं मुझे थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा है नंबर बढ़ गया है सिर्फ सिंबल्स दिख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपने कवर कर ली तो आप समझ लीजिए हिस्टोरिकली सत्तर से अस्सी परसेंट अपना क्या हो गया मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस कवर हो गया और फिर उसके बाद हम रिलेटेड रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे कवर करेंगे चेंजेस क्या क्या हैंडल करना है तो सबसे पहले आप समझ लो एफ में सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो एम के कारण हुआ है और मैं इससे बहुत खुश हूं क्यों क्योंकि मुझे लगता है इससे स्कोरिंग बढ़ने वाली है इसका सिंपल सा रीजन यह है कि डेफिनेटली अगर मैंने पूरी कवरेज करी है तो एमसीक्यू में स्कोर करना मेरे लिए आसान है और मैं इसमें पच्चीस प्लस टारगेट करूंगा थ्योरी बेस्ड एमसी क्यू प्योर आएंगे ऐसी मुझे उम्मीद कम है दो पाँच से ज्यादा नहीं होना चाहिए आ भी गए तो ज्यादातर आएंगे वो या ऑब्जेक्टिव बेस यानी कि कोई कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाएगा आ हा 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 क्या बात है अब दिख रहा है ना एकदम चैट रंग बिरंगा है, ऐसा लग रहा है चलिए कि बच्चों की बारह निकली है नेक्स्ट एमसीक्यू के कारण हमारी अप्रोच क्या होगी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चैप्टर्स हमारे कुछ चेंज हुए हैं क्या हुए वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से रोड मैप और इंट्रोडक्शन टू इंडेस का एक चैप्टर ऐड हुआ है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग एंड एथिक्स के दो चैप्टर थ्योरी ऐड हुए एस वर्सेज इंडेस कुछ स्पेसिफिक इंडेस के कवर करने के लिए अलग से बोला गया है सिलेबस में और शेड्यूल थ्री हम पहले भी कवर करते थे अभी भी करते हैं पर उसका गाइडेंस नोट स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में ऐड किया गया ऐसी इच्छा हो रही है एक बार दिखा दो स्क्रीन पे ये हुई ना बात अब लग रहा है जोश 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 सी एस आर और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग नाम के दो थ्योरी चैप्टर्स आपके हटा दिए गए बस इतना सा चेंजेस अदरवाइज एफ आर में कोई मजर चेंजेस वाला इशू नहीं है अगला हमारा कंसर्न है आई बी एस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट जिनका फर्स्ट ग्रुप काफी पहले हो चुका है उनके लिए पावर काफ़ी काम की हो सकती है एक बार पूरा रिकैप हो जाएगा आईबीएस में काम आएगा मैंने आपको बोल दिया है पहला अटेम्प्ट आईबीएस का तो रिस्क ना लें पेपर मुझे लगता है उम्मीद है कि ईजी होगी और ओपन बुक होगा तो हो सकता है एक आध के स्टडी मैच भी कर दें जो इंस्टीट्यूट ने दी है ऑलरेडी उनके प्रैक्टिस मटेरियल में बट एक चीज ध्यान रखना कि आईबीएस में इंस्टीट्यूट आपसे पांच के स्टडी पूछेगा जिसमें से आपको चार अटेम्प्ट करें एक के स्टडी ट्वेंटी फाइव मार्क्स की होगी और के स्टडी में मल्टीपल सब्जेक्ट्स उनसे पूछ आपसे कवर किए जाएंगे और ऐसा नहीं है कि प्योर एमसीक्यू बेस्ड होगा इट विल हैव फोर्टी परसेंट एम एंड सिक्सटी परसेंट थ्योरी डिस्क्रिप्टिव वाले और हर एमसीक्यू में क्या करेंगे दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट एंड आज क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट चैप्टर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेफिनेटली शुड बी वन ऑफ द चैप्टर्स इन मेजोरिटी ऑफ द केस स्टडीज बुक्स की बात अगर हम करें तो हमारा पूरा रिविजन ब्रह्मा से होगा ब्रह्मा की दो वॉल्यूम चलिए क्योंकि अब आपने रंगों रंगों से से भर भर दिया है को तो मैं भी रंगों से भर आपके समय को ये हमारी ब्रह्मास की दो किताबें हैं अगर आपने पावर बैच विद बुक्स लिए तो ये दो किताबें आपको ऐसी मिलेंगी एक वॉल्यूम वन में सारे मेजर टॉपिक्स है वॉल्यूम टू में सारे इंडेस इंडेस भी अब क्या कर दिया इस तरह की किताब में पूरा ऐड कर दिया ताकि आप सेल्फ स्टडी के फॉर्म में इस किताब को यूज कर सके इस बार पावर को हमने पावर प्लस नाम दिया है आपके लिए उसका कारण है ये दो स्ट्राइकर ये जो दो स्ट्राइकर की किताब है इन सारी किताब के हर क्वेश्चन के पड़ोस में एक क्यूआर कोड दिया है जिसको फास्ट के ऐप पे जाके आप स्कैन करोगे तो उससे रिलेटेड उसका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा कुछ प्योर थ्योरी क्वेश्चन छोड़ दें अगर आप तो सबके वीडियो सॉल्यूशंस हैं और ये हम सिर्फ रेगुलर फास्ट ट्रैक के बैच के स्टूडेंट्स को देते दे थे बट अब पावर बैच जो भी सब्सक्राइब कर रहा है उन्हें भी मिलेंगे ये हमारा पूरा फंडामेंटल हो गया विथ रिस्पेक्ट टू तो डिस्कशन एम सी क्यू बुक इनकेस आपको लेनी है तो ले सकते हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जो उन्होंने क्वेश्चन एम सी क्यू में डाले हैं कहाँ पर तो आपको पता होगा इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पर अपने या अपनी ऐप पर कई सारे एम सी क्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए किताब छपने तक जितने क्वेश्चन उन्होंने डाले थे वो सब इस बुक में इनकॉर्पोरेटेड है इसको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है बट अगर पक्का काम करना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कर लेना चाहिए इसी के साथ मेरा इंट्रोडक्टरी डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो जाता है एक बार मैं अब आपको ए बी सी बता दूँ कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स का कितना वेटेज है आई एम ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि एक बार आप एफ आर का सिलेबस देख चुके हो और एक बार थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हो ये तीन ऐसे चैप्टर है जो ओल्ड कोर्स में आठ में से आठ अटेम्प्ट में आए थे इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन और रेवेन्यू इसका क्वेश्चन अगर नहीं मिले एग्जाम में तो देख लेना कहीं इंटर की एग्जाम में तो नहीं पहुंच गए नेक्स्ट जितने सवाल है तुम्हारे सब डाल दो चार्ट में दो मिनट उस पर कवर करूंगा और सात बज के बीस मिनट पर अपन दोस्तों शुरू कर देंगे हमारा डिस्कशन ये छह अटेम्प्ट में पूछे गए आठ में से इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि थ्री आउट ऑफ फोर सेवेंटी फाइव परसेंट वन जीरो एट सेगमेंट रिपोर्टिंग जो कई बच्चे लगता है अरे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर ऐसा नहीं वन जीरो टू शेयरवेज पेमेंट डेफिनेटली और वन वन सिक्स लीजेस डेफिनेटली और इनके बाद फिर आते हैं आपके ये वाले स्टैंडर्ड जिसमें शेड्यूल थ्री इंडेस वन आ जाता है तो ये एनालिसिस हैं आपके लिए मैंने ये दिया है कि मे 2024 की जो एग्ज़ाम थी ओ मे चोइस नहीं नवंबर तेईस उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे थे तो उन सब पे मैंने ग्रीन टिक किया है तो आप देख सकते हो कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ यही वाली कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं अगर आप इससे एक एग्जाम पीछे जाते हैं ना तो आपको ऐसे ऐसे टिक मिलते हैं ये तीनों इनमें दो इसमें एक दो इसमें दो तीन इसमें दो तीन इसमें दो तीन यानी हर पर्टिकुलर कैटेगरी यानी ए बी सी एफ आर में कभी काम करता है कभी नहीं करता है उस सेंस में आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज पे जाए ये ज्यादा बेहतर होगा चलिए ना आई थिंक इट इज टाइम टू स्टार्ट विद आर डिस्कशन क्विकली वी विल टेक द क्वेश्चन जितने भी लोगों ने पावर बाय सब्सक्राइब किए क्रेडेंशियल्स नहीं मिले चिंता मत करो दोस्तों आज हमारी क्लास चल रही है यूट्यूब पर और ये यूट्यूब पर रहेगी अरे जा रहे सर बाय 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 ऐसा मत करो अभी ना जाओ छोड़ के अभी तो दिल क्या भरा है अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको क्रेडेंशियल्स अगर नहीं मिले हैं तो आप जरा भी परेशान नहीं होंगे क्यों क्योंकि आप जब तक क्लास में अंदर नहीं आ जाओगे दोस्तों जिम्मेदारी है अपनी कि अपनी क्लास जब तक आप तक पहुंचनी जाएगी तब तक हम प्रयत्न रत्न करेंगे इसका मतलब इन केस अगर आज सारे क्रेडेंशियल्स मिलके सब कुछ चालू नहीं हुआ तो उन स्टूडेंट्स को कल यूट्यूब का लिंक भी दिया जाएगा वो वहां पे भी देख पाएंगे नंबर वन नंबर टू जिन्होंने बुक्स ऑर्डर की है उनकी किताबें डिस्पैच कुछ हो चुकी है कुछ आज होंगी आज तक में सब कंप्लीट हो जाएंगी और सुपर सुपरफास्ट कुरियर ब्लूडार्ट से आपके पास किताबें डिस्पैच की जाएगी ताकि आपको समय पर मिल जाए नंबर थ्री ऐप के अगर आपके कुछ डिटैच डिवाइस के इश्यूज थे और उसके लिए इंस्ट्रक्ट किया है कि उसे अब डिटैच कर दिया जाए और स्टूडेंट्स को फटाफट एक्सेस दे दिया जाए नंबर फोर डिटैच डिवाइस का मतलब ये होता है कि आपने ऐप आप पहले कहीं इंस्टॉल करी थी और आप कहीं और इंस्टॉल कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं करते लेकिन अब आपको बोल दिया ये सब अलाउ कर दिया जाएगा ताकि फटाफट आपका काम हो जाए और आप पावर में आके अपना स्कोर बढ़ाने की काम कर सको बस इसके बदले में कंडीशन इतनी सी हो गई है कि अभी क्योंकि चेंजेस हुए तो हमने एक पहल उठाई कि जितने अपने स्टूडेंट्स न्यू कोर्स के जब से 2017 के बाद से आए सबको हमने पावर बैच का एक्सेस फ्री में प्रोवाइड किया अगर रेगुलर फास्ट ट्रैक कुछ भी बैच लिया लेकिन आगे से अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक बार पावर बैच का एक्सेस मिलेगा तो ये बस ध्यान रखिए कि कभी आपका अटेम्प्ट है अगर नवंबर 24 में ना कि मैं 24 में तो आपने बोला मेरे दोस्त को दे देता हूँ सार तक सर की वो क्लास क्योंकि उसके पास पावर का पावर नहीं है और वो सब्सक्राइब नहीं करना चाहता बचाना चाहता है तो आपने अगर उसे एक्सेस दे दिया तो आपने बहुत भला काम किया है उसके लिए उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके भी बहुत अच्छे आएंगे पर आपको सेल्फ तैयारी करना पड़ेगी क्यों क्योंकि आपको एक्सेस नहीं मिलेगा इसका मतलब मे 24 में, में जिन्होंने एक्सेस लिया उनको आगे पावर बैच का एक्सेस पेड बेसिस पे मिलेगा बस इतनी सी बात साथ ही साथ में आपके सारे लेक्चर्स लैपटॉप पर भी चलेंगे और आपके पास ऑप्शन है थोड़ा मोबाइल थोड़ा विंडोज के लैपटॉप पे देख ले क्योंकि आई यूएस ऐप अवेलेबल नहीं है तो वो लोग सब विंडोज पे देखेंगे एंड्रॉयड या विंडोज ये आपके पास ऑप्शन है दोनों एक समय पर एक पे ही चलेगा एक से लॉग आउट करके दूसरे पर लॉग इन करना पड़ेगा आई होप दिस इज ऑल डन मैंने सारे क्वेश्चंस के भी जवाब दे दिए बाकी जो भी आपके लिंक वगैरह है विंडोज ऐप वगैरह डाउनलोड करने के वो सारे आपको यहाँ पे चार्ट में दे देंगे जिन भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने इन केस अगर आप डाउनलोड नहीं किए वो सब लिंक वहां पे आपको मिल जाएंगे आज की हमारी क्लास सिर्फ यूट्यूब पर है ऐप पर जरा भी नहीं है ये पहले से कम्युनिकेटेड है चलिए अब हमारा आज का सबसे पहला डिस्कशन हमें जो शुरू करना है दोस्तों वो रोड मैप से शुरू करना है जिसका कारण है क्यों क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसे मॉड्यूल में नया नया ऐड किया है तो ये कंपेरिटिवली थोड़ा इंपॉर्टेंट है करें शुरू अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो ऐसे ही काफी समय दे दिया अपन ने इन सब चीजों पर बुक्स के बारे में सारे अमेंडमेंट्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम पर भी फास्ट ऐप पर भी अब आपका कॉल है मेरा सुझाव यह है कि अगर आपके पास ब्रह्मास थ्री पॉइंट वन और स्ट्राइकर फोर है तो आप रिप्लेस कर लीजिए उससे लेट की है बात की है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है अमेंडमेंट से मैच कर लीजिए सर मैंने खूब सारा लिख रखा है किताब में तो भाई तेरे को पहले ही मालूम है कि तुझे रिप्लेस नहीं करना है तो क्यों ऐसा सवाल पूछ रहे हैं अमेंडमेंट के सारे नोट दिए हुए हैं ऐप पर सिस्टमेटिकली है और टेलीग्राम पर अलग अलग डेट पे लो, निकाल लो डाउनलोड कर लो और उसके बाद उससे अपडेट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे रिवीजन यूट्यूब पे लेक्चर्स भी है आप पे सिस्टमेटिकली एक जगह सारे अमेंडमेंट्स के लेक्चर्स भी दिए गए चलिए पावर के 200 क्वेश्चन बैंक का एक्सेस कैसे करेंगे पीडीएफ टेलीग्राम पे वॉल्यूम वन सुपर हंड्रेड क्वेश्चन बैंक की शेयर कर दी है वो सुपर हंड्रेड क्वेश्चन बैंक क्लास में हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे चलिए मैंने किताबों के बारे में आपको पूरा डिस्कशन कर दिया और आपको बता दिया ऐप कौन सा है अभी ऐप फास्ट की प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है उसका कारण क्या है नहीं अवेलेबल होने का वो अपडेट होके रिवैम्प होके पूरी वापस से अपलोड हो रही है और इस पर्टिकुलर रीजन से आपको अभी ऐप आप एक लिंक से डाउनलोड करना होगी जो डाउनलोड करते समय आपको बहुत सारी बातें डरावनी करेगा बट उसमें ऐसा कोई हार्मफुल नहीं है आप उसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो चलिए आरटीआई की एप्लीकेशन में कुछ समस्या आ रही है बिल्कुल सही कहा रोड मैप से आते हैं बात करते हैं रोड मैप का मतलब क्या है अरे भाई इंडेस क्योंकि सी फाइनल में हम जो पढ़ रहे हैं पार वो पूरा इंडेस है और अब इंटरमीडिएट पूरा ये है तो सवाल ये उठा कि भाई ये जो इंडेस हम पढ़ रहे हैं ये इंडेस किस पर लगते हैं आज की तारीख में भी आप बात करोगे दोस्तों नब्बे प्लस कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही लगते हैं बट वो जो रिमेनिंग सेट ऑफ कंपनीज इंडियाज़ फॉलो कर रही है ना वही भारत का आप यूज़ समझ लीजिए दोस्तों कि कॉरपोरेट बिजनेस का 80 से 90 परसेंट कवर कर देती है ऑल तो दी लार्ज एंटिटीज हैव टू है अब सर लार्ज एंटिटी की क्या परिभाषा है तो लार्ज कई शब्द नहीं यूज़ किया मैंने कहने के लिए कहा है इंडियज फॉलो किसे करना है तो इसके लिए कंपनीज इंडियाज रूल्स 2015 बनाए गए तो 2015 में बाप रे कितनी बात पुरानी हो गई नौ साल पुरानी ये बताया गया कि कौन सी कंपनियां इंडेस फॉलो करेंगी और उन्होंने बोला कि इंडेस एप्लीकेबल होंगे एक अप्रैल 2016 से सही बात है भाई 16 से एप्लीकेबल करना है तो 15 में बताना पड़ेगा और उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा तो आप एक अप्रैल 2015 से भी फॉलो कर सकते हो वॉलेंटरली किसी भी कंपनी ने की है नहीं अलग बात है पर एक अप्रैल 2016 से मैंडेटरी होंगे पर वो भी सिर्फ किसके ऊपर मैंडेटरी होंगे ऐसी कंपनियां जिनकी नेटवर्थ पांच सौ करोड़ रुपए या उससे ज्यादा या ब्रह्मास्त्र पीडीएफ में अवेलेबल होगी नहीं सिर्फ इनिशियल नोट्स अवेलेबल होंगे स्ट्राइकर पूरी ये आपकी सुपर टू हंड्रेड पीडीएफ में अवेलेबल है और ब्रह्मास्त्र के इनिशियल नोट्स बाकी पूरी स्ट्राइकर या ब्रह्मास्त्र लेनी तो हार्ड कॉपी में मिले उसके कुछ डिस्काउंट्स चल रहे हैं वो आज तक चलेंगे आपको सब्सक्राइब करना है तो आज के आज कर लीजिए कल से फिर उसका थोड़ा प्राइस डिफरेंशियल होगा प्राइस बढ़ने के बाद भी उसकी प्राइस कम ही ऐसा मान्य कंटेंट देखिएगा आप फिर बात करिए तो नियम यह उठा कि भाई कंपनी जिन पर इंडेक्स लगाना है वो नेटवर्थ के आधार पर लगाया जाएगा यानी इज नॉट टर्नओवर इट इज प्रॉफिट्स आमतौर पर ये बेसिस होते हैं टोटल इनकम या प्रॉफिट्स यहाँ पे नेटवर्थ को बेस बनाया है और नेटवर्थ कही गई है कितनी 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा फिर कंपनी लिस्टेड हो या ना लिस्टेड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने कहा सर बैकअप आप ऑडिट में भी हंड्रेड परसेंट देना जी ऑडिट के बारे में अपन ऑडिट की बात करेंगे अभी आप हालांकि फॉर्म भर देना जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज के बाद फिर फॉर्म बंद हो जाएंगे एक्सेस के फर्स्ट अप्रैल 2016 से 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की नेटवर्थ है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इंडेस फॉलो करना है और इंडेज की अच्छी बात यह है कि एक बार इंडेज फॉलो करना है तो फिर आजीवन इंडेस ही फॉलो करना है यानी हर साल चेक नहीं करना है दिस इज वंस वंस यू आर मैरिड यू आर ऑलवेज मैरिड अरे नहीं सर हम तो डिवोर्स भी ले सकते नहीं हमारी भारतीय संस्कृति में वो नहीं होता है कमिट कर दिया तो कर दिया यानी कि एक बार इंडेस लग गए तो आजीवन आपको इंडेस ही फॉलो करना है जब तक आप कम नहीं है इंडे फॉलो करेंगे नेक्स्ट <coughs> अगर आपकी नेटवर्थ पाँच सौ करोड़ रुपए या उससे ज्यादा नहीं है अब सिर्फ पाँच सौ करोड़ कब चेक करना है कब से चेक करना है नेटवर्थ का मतलब क्या होता है सब डिस्कस करेंगे अगर आपकी नेटवर्थ पाँच सौ करोड़ से ज्यादा नहीं है इफ नॉट तो फिर आपको इंडेज फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवनटीन से फॉलो करना होंगे अगर आपकी नेटवर्थ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है तो 250 करोड़ जो उससे ज्यादा बट 500 करोड़ से कम है तो उस केस में आपकी एप्लीकेबिलिटी एक चार सत्रह से आ जाएगी लेकिन आपको यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं तो ऐसी सिचुएशन में फिर इ रिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ आपको फर्स्ट अप्रैल टू से सेवेंटीन से फॉलो करना पड़ेगा लिस्टेड का मतलब क्या है आपने डेट और इक्विटी कुछ भी लिस्ट करा रखी है इंडिया या आउटसाइड इंडिया में या एप्लीकेशन दे रखी है सेबी के पास और लिस्टिंग पेंडिंग है बाहर भी अगर आपने लिस्ट कराया है तो भी आपको लिस्टेड माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ इंडिया रूल्स द एक्सेप्शन दिए गए एसएमई एक्सचेंज और आई टीपी बिना आईपीओ के यानी प्राइवेट प्लेसमेंट से आपने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसे आप इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म कहते हैं अगर आपने लिस्टिंग कराई है तो फिर उस केस में आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा फिर आप नेटवर्थ के क्राइटेरिया के आधार पर हो सकता है इंडिया में कवर हो जाए नेवर द लेस वी विल अ लिटिल बिट तो नियम ये हो गया कि भाई सबसे पहले आपको नेटवर्क चेक करना है पाँच करोड़ उसके ऊपर हो गई तो वन से आजीवन 250 करोड़ या उससे ऊपर 500 करोड़ से नीचे तो 1417 से आजीवन अगर आप लिस्टेड एंटिटी हो गए तो 1417 से तो लगना ही लगना है यानी अगर आपकी नेटवर्क 500 है या उससे ज्यादा थी तो 1416। पर सिक्सटीन नेटवर्क पाँच से कम थी और आप लिस्टेड है तो इ रिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्क वन अब लिस्टेड का क्या मतलब होता है लिस्टिंग कब देखना है वो सब डिस्कस करते हैं इन दो नियम के आधार पे आपके ऊपर इंडेस लगना शुरू हो जाएंगे अब दिक्कत यह है कि इंडेस कहता है कि भाई अगर हम पर इंडेस लगे तो इंडेस हमें सिर्फ स्टैंडलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कंसोलिडेटेड के लिए भी फॉलो करना पड़ेंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन से कह दिया है कि अगर आपकी कंपनी पे इंडेस लग रहे हैं तो आपकी होल्डिंग कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी आपकी ज्वाइंट वेंचर एंटिटीज और आपकी एसोसिएट कंपनी इन सब के ऊपर इंडेस लगना शुरू हो जाएंगे ताकि कंसोलिडेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए तो पूरे ग्रुप की एक कंपनी पे अगर इंडेक्स लग रहा है तो उसकी होल्डिंग उसकी सब्सिडी उसके जेवीज उसके एसोसिएट्स इन सबके ऊपर इंडेक्स लगना शुरू हो जाएंगे दैट इज प्रिंसिपली एंड बेसिकली वॉट द लॉजिक इज अब जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएंगे कंसोलिडेशन में मदद मिलेगी तो ग्रुप का मतलब क्या हुआ होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट का मतलब क्या है ये भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा और एक बार इनके ऊपर लग गए तो इन्हें भी फिर क्या है कंपलसरली फॉलो करते रहना अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है फटाक से चार्ट में जवाब दीजिए मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म हूं और मेरी नेटवर्क पांच सौ करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की है क्या मुझे इंडेस फॉलो करने की जरूरत है जब तक आप चार्ट में जवाब देते हैं मैं आगे की बात करता हूं एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो रूल अपन ने पढ़ा है ये रूल तीन कैटेगरी के ऊपर नहीं लगता है बैंकिंग इंश्योरेंस और एनबीएफ बैंक और इंश्योरेंस में इंडेज लगने ही नहीं है जब तक आरबीआई या आईआरडीए नहीं बोल देता और अभी तक उन्होंने नहीं बोला है कि आप इंडेज फॉलो करो हालांकि आरबीआई ने कह रखा है बैंक्स को कि आप पैरेलली इंडेज बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दीजिए लेकिन अभी भी पब्लिश हुआ इस पर ए सी करते फॉलो करते बहुत बढ़िया जवाब दिया है। ये सिर्फ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है यानी पार्टनरशिप फॉर्म चाह कर भी इंडेस फॉलो नहीं कर सकती है कभी भी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इंडेस इशू किसने की है अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए इंडेस आर इशूड बाय होम क्वेश्चन का जवाब देंगे तो बैंकिंग कंपनी नहीं करेंगी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेंगी सर वॉल्टरली नहीं कर सकती इनको अलाउड ही नहीं जरा भी अलाउड नहीं इनकी सब्सिडरी कंपनी सपोज नॉन बैंकिंग है और उस पर इंडेज लग रहे तो फिर क्या बैंकिंग कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा द आंसर इज कि अगर आपकी सब्सिडी पे इंडेज लग रहे हैं और आप उसकी पेरेंट के नाते इंडेज के अंतर्गत कवर होते हो फिर भी कवर नहीं होंगे गए क्योंकि एक्सेप्शन है यानी कि यहां पे जो भी कहा गया नॉट विदिंग दैट ये तीन रूल लगेंगे बहुत बढ़िया इंडेज इशू किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा वेरी नाइस एब्सिल्यूटली करेक्ट नफरा के कंसल्टेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इंडेज इशू करती है आईसीआई उसे प्रिपेयर करके रेकमेंड करता है और नफरा के कंसल्टेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पब्लिश करती है इसका मतलब इंडेज इशू ही किसके द्वारा किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसमें किसने मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स यानी किस पर एप्लीकेबल होंगे सिर्फ जिन पे कंपनीज एक्ट लग रहा है यानी कंपनीज पे हालांकि फॉरेन कंपनीज को भी इंडेज फॉलो करने की जरूरत हो सकती है नेक्स्ट एन पे जो नियम है वो बस कुछ भी नहीं है दो साल डेफर्ड है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है तो वन फोर 1419 हो, हो जाएगा पहला स्टेप आपका फेज वन पांच सौ करोड़ की नेटवर्थ होगी और फेज टू टू फिफ्टी करोड़ की वर्थ और लिस्टिंग। इन सब के अलावा दोस्तों बाकी सारी कंपनियों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है लेकिन अगर कोई कंपनी वॉलंटरली तो क्या वो कर सकती है आंसर इज एक्सेप्शन को छोड़ के ये हमें जल्दी करना है तो एक चार पंद्रह और हम पे नहीं लग रहे तो भी हमें फॉलो करना है तो भी कर सकते हैं बट एक्सेप्शंस को छोड़ के तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैं एक नॉन बैंक नॉन इंश्योरेंस नॉन एनबीएफसी एंटिटी हूँ लिस्टेड भी नहीं हूँ और मेरी नेटवर्थ नेगेटिव में और मैं चाहता हूं इंडेस फॉलो करना चैट में बताइए क्या मैं इस केस में इंडेस वॉलेंटरिली फॉलो कर सकता आंसर इज यस वॉलेंटरी फॉलो करने में इंडेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप वॉलंटरीली फॉलो करोगे तो सिर्फ आपको नहीं आपके साथ साथ आपकी होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट सबको फॉलो करना पड़ेगा यानी भैया अगर एप्लीकेबल होंगे तो पूरे खानदान के ऊपर लगेंगे अकेले के ऊपर नहीं लगेंगे लेकिन वॉलंटरिली अगर एक बैंक फॉलो करना चाहती है नहीं एक इंश्योरेंस कंपनी फॉलो करना चाहती है नहीं एनबीएफसी अगर वॉलेंटरिल फॉलो करना चाहे नहीं आज की तारीख में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर भी वॉलंटरी एडॉपशन परमिटेड नहीं तो बैंक इंश्योरेंस और एनबीएफसी ये तीनों वॉलेंटरली अप्लाई नहीं कर सकती ये बैंक इंश्योरेंस कभी भी नहीं और एनबीएफसी अगर थ्रेश में आएगी तो ही फॉलो करेगी अदरवाइज उसे फॉलो करने की परमिशन नहीं तो प्रॉब्लम सिर्फ एक आती है कि जब मैंने बोला भाई इंडेज लगेंगे तो पूरे खानदान पे लगेंगे अब प्रॉब्लम यह है कि खानदान के कुछ लोग नॉन इनफैक्ट वाले हैं और कुछ लोग नॉर्मल रूल में कवर होने वाले जैसे कि टाटा कैपिटल लिमिटेड एक स्टॉक ब्रोकर है स्टॉक ब्रोकर को एनबीएफसी बना गया अभी आप मान लीजिए डेफिनेशन देखेंगे तो इसको बोला एक चार अट्ठारह से पहले फॉलो नहीं करेगा ये पापा है पेरेंट कंपनी है टाटा बीपीओ जो कि एक लिस्टेड कंपनी है लिस्टेड है तो नेटवर्क अगर इसकी पाँच सौ करोड़ या उससे ज्यादा हुई तो एक चार सोलह से लगेगा ठीक है तो इन दिस केस टाटा बीपीओ को वन फोर सिक्सटीन से फॉलो करना है तो उसके पेरेंट को भी वन फोर सिक्सटीन से करना चाहिए था लेकिन पेरेंट के ऊपर तो इंडेस लग ही नहीं सकते क्योंकि एन बी एफ सी है कब से पहले वन फोर एटीन से पहले तो इसके लिए बोला है टाटा बीपीओ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा एज पर इंडेस लेकिन जो टाटा कैपिटल है वो बनाएगा एस पर एस एक चार अठारह से पहले तो प्रॉब्लम आएगी जब टाटा कैपिटल अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो इसके लिए टाटा बीपीओ को दो स्टेटमेंट बनाना होंगे एक जो वो एम के पास अपने खुद के स्टेटमेंट पब्लिश करेगा एस पर इंडेस और दूसरा जो टाटा बीपीओ को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होंगे जिसमें उसकी सब्सिडरी वापस से बोलता हूँ टाटा कैपिटल का जो सी एफ एस बनेगा उसमें उसकी सब्सिडरी को उसको एज पर ए एस कंसॉलीडेट करना होगा अपन आगे डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेम पॉलिसीज फॉलो करना सब्सिडरी के द्वारा मैंडेटरी तो वी के नॉट हैव सब्सिडरीज़ फॉलोइंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर सेम आइटम्स एंड दैट इज वाई यहाँ पे दो अल्टरनेट या दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी पी ओ को बनाना पड़ेंगे ज yes 2018 अठारह फेसिलिटेड प्रिपरेशन ऑफ कंसॉडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाई टाटा कैपिटल द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एज ऑफ द पेरेंट ठीक है दो हजार अठारह के बाद क्या टाटा कैपिटल के ऊपर इंडेज़ लगना शुरू हो जाएंगे तो वो डिपेंड करेगा उसकी खुद की थ्रेशोलोल्ड के आधार पे अगर लग रहे तो लगेंगे अदरवाइज नहीं लगेंगे सब्सिडरी बल लग रहे इसलिए पेरेंट पे लगेंगे वो वाला रूल नहीं लगेगा क्यों क्योंकि जो पेरेंट है वो एन वाले रोड मैप में कवर्ड है और जो सब्सिडरी है वो नॉन बैंकिंग नॉन इंश्योरेंस नॉन एन वाले रोड मैप में कवर्ड है दोनों अलग अलग कैटेगरी है दोनों को इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है तो अब जब मैं बात कर रहा हूं इंडेज की एप्लीकेबिलिटी में ये सारी चीजों की अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करना बाकी है हमारी सबसे पहले जब मैं इंडेज लगाऊंगा तो मुझे कैसे लगाने तो क्योंकि कंपनीज एक्ट में इंडिया में शेड्यूल थ्री में प्रीवियस ईयर फिगर्स देना कंपलसरी है जिसका उद्देश्य कंपेयर करना कि कंपनी ने पिछले साल से इस साल कैसे परफॉर्म किया इस कारण से अगर मेरी कंपनी पर लेट से वन फोर सिक्सटीन से इंडेस लगे यानी फिफ्टीन सिक्सटीन में एस लग रहे थे तो फिफ्टीन सिक्सटीन के फिगर्स एस वाले और सिक्सटीन सेवनटीन के फिगर्स इंडेस वाले तो कंपेयर जब दो लोग करेंगे या दो चीज़ों को करेंगे तो वो ही नहीं होगी क्योंकि एक बनाई गई है एक डिफरेंट लॉजिक से दूसरी बनाई गई है एक डिफरेंट लॉजिक से यू कैनॉट कम्पेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस इसका मतलब क्या है ये दोनों चीजें साथ में कंपेरेबल नहीं है तो इस कारण से मुझे क्या करना पड़ेगा सीधी सी बातें नए को पुराना नहीं करूंगा पुराने को नया करूंगा इसका मतलब मुझे प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी रीस्ट्रेट करना होंगे एज पर इंडेज और जब मैं प्रीवियस ईयर के फिगर्स को रीस्ट्रेड करूँगा एज पर इंडेज तो इसका मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो मुझे जब इंडेज मेरी कंपनी पर लगेंगे मुझे उसके पिछले साल की ओपनिंग डेट से इंडेज फॉलो करवाना पड़ेंगे इसे कहा जाता है डेट ऑफ ट्रांजिशन डेट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या अगर आपके ऊपर लेट से फॉर एग्जांपल इंडेस वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से लग रहा है ऐसा कैसे पॉसिबल है लेट्स से आपकी नेटवर्क जो है वो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पर टू फिफ्टी करोड़ टच या क्रॉस की तो पहले इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके आएंगे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के ये साल खत्म होने के पर आपको ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में कंपेरेटिव ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के भी एज पर इंडेक्स देना पड़ेंगे तो इस कारण से इफेक्टिवली आपको एक अप्रैल दो हजार तेईस से क्या करना पड़ेगा इंडेस लगाना पड़ेगा इसे डेट ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है इंड एस वन जीरो वन में और ध्यान रखना डेट ऑफ ट्रांजिशन इज फिक्स्ड एंड इट कैन नॉट चेंज तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी तीन साल के कंपेरेटिव देना चाहती है तो उसकी डेट ऑफ ट्रांजिशन तीन साल पहले की डेट हो जाएगी वो उसकी वॉलंटरी चॉइस के कारण करना पड़ रही है बट इन डेज के अनुसार उसे डेट ऑफ ट्रांजिशन प्रीवियस ईयर की ओपनिंग डेट ही लेना होगी किसी भी केस में डेट ऑफ ट्रांजिशन में चेंज करने की परमिशन नहीं है इसी ने पूछा है सर होल्डिंग सब्सिडी जेवी की रिलेशनशिप सीज हो गई तो क्या होगा आएंगे अभी उसके ऊपर नेक्स्ट कंपनीज जिन पर इंडेस एप्लीकेबल हुए हैं उन्हें पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडिया कब बनाना पड़ेंगे जिस साल में एप्लीकेबल हुए हैं वो साल खत्म होने पर तो वन फोर ट्वेंटी फोर पर एप्लीकेबल हुए तो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव पर प्रेजेंट होंगे वो पब्लिश होंगे कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंडेस एक बार अगर आपके ऊपर इंडेस लग गए तो इस केस में भले ही आपने वॉलटरीली लगाए या मैंडेटरी लगाए किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे तो आपको जीवन भर इंडेज ही फॉलो करते रहना है भले ही फिर आपका क्राइटेरिया जो स्पेसिफाई किया था वो फॉलो नहीं यानी अफगानिस्तान जैसा देश है आने के दरवाजे खुले जाने के बंद इसका मतलब वेलकम आप आओ तो बहुत बढ़िया है पर जाने की हमारे पास जगह ही नहीं एक बार इंडेक्स लगने लग गए लाइफ लॉन्ग फॉलो करो भले ही आप अनलिस्टेड हो जाओ भले ही आपकी नेटवर्थ 250 फिफ्टी करोड़ के बजाय नेगेटिव हो जाए या भले ही आप पहले होल्डिंग सब्सिडी थे इसलिए इंडेस लगे और अब नहीं है या भले ही आपने वॉल्टरली इंडेस लगाए थे और अब आप नहीं लगाना चाहते हो कोई ऑप्शन नहीं है एक बार इंडेक्स लग गए तो आजीवन इंडेस ही फॉलो करना है आपको मानेंट एप्लीकेबिलिटी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके ऊपर इंडेक्स थ्रेशोल्ड के आधार पर लग रहे हैं थ्रेशोल्ड जब भी लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है नेटवर्थ की टू फिफ्टी करोड़ फाइव हंड्रेड करोड़ की कंडीशन या लिस्टिंग के आधार पर लग रहे हैं या वॉल्ट्री लग रहे हैं या ग्रुप कंपनी के बेसिस पे लग रहे हैं सभी सिचुएशन में अगर आपके ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आपको इंडेक्स फॉलो करना है और लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है अब सवाल उठता है कि मेरी एक फॉरेन सब्सिडरी है आप मुझे बताओ दोस्तों कि ए लिमिटेड की एक फॉरेन सब्सिडरी है एस इनकॉर्पोरेशन मालदीव हमने कंपनी बनाई है मालदीव्स में हमने बोला मालदीव्स में जाओ काम करो और धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करो लगे तो कंट्री खरीद लो भेजा है मोदी जी ने ये एस इन कॉरपोरेशन मालदीव यहाँ की कंपनी है लिमिटेड ये यहाँ की कंपनी है अब मेरा सवाल ये है कि ये इंडेस फॉलो करती है और ये जो एस इन कॉरपोरेशन मालदीव है इसकी भी नेटवर्क पाँच सौ करोड़ से ज़्यादा हो गई है और थोड़ी और बढ़ गई तो कंट्री की नेटवर्क से भी बड़ी हो जाएगी आप बताइए दोस्तों ऐसे किस में एस इन कॉरपोरेशन क्या फॉलो करेगी तो सिंपल सा फंडामेंटल है नंबर वन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एस इनकॉर्पोरेशन फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड है तो वो वहां के लॉ के अनुसार जो स्टैंडर्ड वहां लगते हैं वो फॉलो करेंगे अगर मालदीव के इस पर्टिकुलर कंपनी ने चाइनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रखे तो वो चाइनीज फॉलो करेगी लेकिन ए लिमिटेड जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उसे एस इनकॉर्पोरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस्पेक्टिव ऑफ उसने कैसे भी बनाए उसे कन्वर्ट करा के इंडेज के आधार पे बनवाना पड़ेगा और वो कन्वर्टेड ब्रांचियल स्टेटमेंट भले ही मालदीव में स्टैचूटरी पर्पज के लिए उसे यूज नहीं किया गया कंसोलिडेशन के लिए उसे यूज किया जाएगा तो लॉजिक सिंपल सा है कि फॉरेन सब्सिडी विल प्रिपेयर एज पर देयर लॉस बट इट विल हैव टू अल्टरनेटिवली प्रिपेयर एज पर द पेरेंट कंपनीज स्टैंडर्ड तो ये रूल क्लियर हो गया कंसोलिडेशन में सेम पॉलिसी है तो जो पेरेंट के इंडियाज है वही सब्सिडी के होना चाहिए किसी कारण से नहीं है तो अल्टरनेट सब्सिडरी पेरेंट के इंडेज के अनुसार या स्टैंडर्ड के अनुसार बना के देते ताकि कंसोलिडेशन फैसिलिटेट हो पाए चलिए अब हमने डिस्कस कर लिया इंडिया किसी भी एंटिटी पे लगेंगे तो उसके स्टैंड और कंसोलिडेटेड दोनों पे लगेंगे अब आपके सामने एक छोटा सा सवाल है सवाल ऐसा है दोस्तों की एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट है। और इस कंपनी के ऊपर इंडेज एप्लीकेबल हो गए क्यों एप्लीकेबल हो गए लच्चे इसकी नेटवर्क टू हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है इसलिए अलग है लच्चे इसके अलावा ये जितनी भी बाकी कंपनियां है ये सब अनलिस्टेड है और इनकी सबकी नेटवर्क भी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ रुपीज है उससे कम है इसमें वॉलमार्ट इसकी पेरेंट है बोंग इसकी सब्सिडरी है मिंत्रा इसकी सब्सिडरी है और एक जबोंग की सब्सिडरी है विच और फ्लिपकार्ट सवाल इताजा है दोस्तों कि एज पर द थ्रेश होल्ड एंड लिमिट्स किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर तो फ्लिपकार्ट के कारण किस किस पर एप्लीकेबल होंगे क्वेश्चन है क्या फेलो सब्सिडरी भी कवर्ड होगी फेलो सब्सिडरी का मतलब होता है पेरेंट की दूसरी सब्सिडरी भाई अपना फ्लिपकार्ट hmm, को कौन कंट्रोल कर रहा है वॉलमार्ट बट वॉलमार्ट एक और कंपनी को कंट्रोल कर रही है बेस्ट प्राइस शॉप्स यानी बेस्ट प्राइस शॉप्स इज बेसिकली सब्सिडरी ऑफ वॉलमार्ट इसे बोलते हैं फेलो सब्सिडरी यानी मेरे कंट्रोल में नहीं है ये मेरे यानी फ्लिपकार्ट के कंट्रोल में नहीं है लेकिन जिसे फ्लिपकार्ट कंट्रोल कर रहा है वही एंटिटी इसे भी कंट्रोल कर रही है तो हम दोनों भाई भाई हो गए फेलो सब्सिडी तो सवाल यह है कि अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर लग रहे हैं तो क्या वॉलमार्ट के ऊपर लगेंगे तो पेरेंट पर लगेंगे सब्सिडरी पर लगेंगे ध्यान रखना सब्सिडरी की सब्सिडरी को फेलो सब्सिडरी नहीं चेंज सब्सिडरी कहते तो इस पर भी लगेंगे जेवी एसोसिएट होते उस पर भी लगते हैं पर सवाल यह है कि आप बेस्ट प्राइस के ऊपर लगेंगे इन द आंसर नो। लिखा है यहां पे आप देखिए इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल अनलेस कंपनी इट नेटवर्थ ऑफ मोर देन इक्वल टू टू फिफ्टी तो अगर मुझ पर लग रहे हैं तो मेरी पेरेंट पे लगेंगे सब्सिडरी जे वी एसोसिएट सब पे लगेंगे पर मेरी पेरेंट पर लग रहे इसका मतलब पेरेंट की बाकी फिर सब्सिडरी जे वी एसोसिएट सब पे लगेंगे ऐसा नहीं यानी ध्यान रखना दोस्तों जिस पर इंडेस लग रहे हैं उसकी पेरेंट सब्सिडरी जे वी एसोसिएट को इंडेस फॉलो करना है पर मुझ पर इंडेस लगे तो मेरी पेरेंट पे मेरी सब्सिडरी पे लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पेरेंट की फिर पेरेंट सब्सिडरी जे वी एसोसिएट सब पे इंडेस लगेंगे तो इस कारण से क्योंकि वॉलमार्ट खुद नेटवर्थ टू फिफ्टी करोड़ ज्यादा नहीं है लिस्टेड नहीं है यानी उसके ऊपर खुद इंडेक्स नहीं लग रहा है ऐसा मैंने माना है इस क्वेश्चन तो से वॉलमार्ट की सारी सब्सिडरी पे नहीं लगी इनफैक्ट वॉलमार्ट पे किसके कारण से लगा है फ्लिपकार्ट के कारण वॉलमार्ट इंडिया पे लगा है तो इस पर्टिकुलर रीजन से फ्लिपकार्ट के कारण वॉलमार्ट इंडिया पे लगेगा वो चलेगा बट इसका मतलब ये नहीं कि वॉलमार्ट इंडिया के कारण से उसकी सब्सिडी भी कवर होगी तो उस मुद्दे की बात यह है कि फेलो सब्सिडीज कवर नहीं होती हैं कब तक कवर नहीं होती है जब तक फिर उनकी खुद की लिमिट्स के अंतर्गत वो कवर नहीं हो रही है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में नया आया है इसलिए इसको एक बार कवर कर लेना चाहिए आपको है स्ट्रक्चर है कंपनी डी है उसकी सब्सिडरी है ई उसकी ई की सब्सिडरी है एफ और जी कंपनी डी की दूसरी सब्सिडी है डी सॉरी डी की सब्सिडी है दूसरी एच और एच की सब्सिडी आई आगे कहा दोस्तों ऑल द कंपनीज आर अनलिस्टेड तो लिस्टिंग के आधार पे इंडेक्स नहीं लग रहे हैं और नेटवर्थ कंपनी e की तीन सौ करोड़ है बाकी सारी कंपनी की नेटवर्थ टू फिफ्टी करोड़ से कम है यानी बाकी सबके ऊपर डायरेक्टली इंडेक्स नहीं लग रहे है। किस कंपनी के ऊपर इंडेक्स लगे तो क्योंकि ई थ्रेश होल्ड में कवर हो रहा है एग्जाम में लिखेंगे तो बोलेंगे थ्रेश होल्ड में कवर है कैसे लिखना है ये आंसर एक बार देख लेना इंडेक्स रोल्स का वास्ता देना पड़े तो क्योंकि ई थ्रेश होल्ड में कवर है तो इसके कारण से इसकी सब्सिडरी इसकी एसोसिएट और इसकी पेरेंट इंडेक्स में कवर हो गई बट पेरेंट कवर्ड है उसके कारण से पेरेंट की दूसरी सब्सिडरीज कवर्ड हो यह जरूरी नहीं है इस कारण से आंसर होगा कि नेटवर्थ ई e की टू फिफ्टी करोड़ रुपीज से ज्यादा की है इसलिए सब्सिडरी एफ एसोसिएट जी और होल्डिंग डी के ऊपर इंडेस लगेंगे लेकिन कंपनी एच और कंपनी आई विल नॉट बी कवर्ड अंडर इंडेस फॉर रीजन विच एडजस्टमेंट हालांकि फिर इसमें एक प्रॉब्लम आएंगी कमनी डी पर क्योंकि इंडेक्स लग रहे हैं तो वो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसकी सारी सब्सिडी इसको इफेक्टिवली क्या करना पड़ेगा इंडेक्स वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होंगे अब अगर ये दोनों एस फॉलो करती हैं तो ऐसी सिचुएशन में फिर इन्हें ऑल्टरनेट स्टेटमेंट इंडेस के बनाना होंगे तो ऐसे केस में ये लोग चाहें तो वॉलटरली क्या कर सकते हैं इंडेक्स फॉलो कर सकते हैं वॉलेंटरी इंडेस फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट बैंक एन बी एफ सी इंश्योरेंस कंपनी तो ये वॉलंटरी करेंगे तो क्या होगा कंसॉलिडेशन ईजी हो जाएगा तो ये आंसर पूरा इतना सिस्टमैटिकली लिखा है इंस्टीट्यूट ने एच आई विल नॉट बी कवर्ड अंडर इंडियस हावेर एज मैं इंडेस टेक्निकल फेलिसिटेशन ग्रुप क्लैरिफिकेशन Company H and I would be required to prepare its financial statement under India's to facilitate D for CFS. Hence, statutorily, legally, HI may continue to prepare its financial statement under AS, but then it will also have to converge to India's for consolidation. Moreover, they can voluntarily adopt to India's and prepare statutory accounts under India's too, but this is their choice. इस लॉजिक को कहा जाता है कि फेलो सब्सिडी फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है बट प्रैक्टिकल के लिए वो, वो इंडेस में शिफ्ट हो जाए तो बेहतर रहेगा ये क्वेश्चन सुपर हंड्रेड का है, है। सारे क्वेश्चन जो सुपर हंड्रेड में दिए गए दोस्तों वो सारे के सारे स्ट्राइकर से ही आए सुपर हंड्रेड इज अबसेट ऑफ दैट और ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहां लगा में डिस्कस कर रहा हूं ये सब कौन से वाले होने वाले हैं सुपर हंड्रेड क्वेश्चन बैंक के हंड्रेड फॉर वॉल्यूम वन एंड हंड्रेड फॉर वॉल्यूम टू तो सुपर टू हंड्रेड हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट यहां तक क्लियर है कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए नहीं तो आगे बढ़ता हेलो 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 गाइस एंड गर्ल्स टेल मी कूल कूल वंडरफुल ऑल गोइंग वेल कोई इशू है तो बोलो सब कुछ ठीक है आगे बढ़ेंगे अब आते हैं अपन अपने अगले डिस्कशन पे और वो क्या है द नेक्स्ट डिस्कशन इज विद रिस्पेक्ट टू द नेटवर्थ नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नेटवर्थ डू आई मीन बाय नेटवर्क यहां पे नेटवर्थ का मतलब क्या है तो स्पेसिफिकली कहा गया है कि नेटवर्थ आपको कब की देखनी है लास्ट डेट की इसका मतलब ऐसा कहते। कि वी विल है हालांकि आप देखना शुरू कर दीजिए राइट फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन तो नेटवर्थ कब से चेक करी जाएगी लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन एनबीएफसी केस में सब कुछ दो साल डिलेड है तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन को अगर आपकी नेटवर्थ फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ हो गई तो इसी दिन डिसाइड हो गया कि आपके ऊपर इंडेज अप्लाई करेंगे कब से तो अर्लीस्ट एप्लीकेशन डेट मैंडेटरी थी वन फोर सिक्सटीन आप लिखोगे इंडेज विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम वन फोर सिक्सटीन अगर पूछे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगी तो हम लिखेंगे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी वन फोर फिफ्टीन और मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी आएगी वन फोर सिक्सटीन और पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होंगे थर्टी फर्स्ट मार्च सेवनटीन के एज पर इंडेज पर सर वन फोर सिक्सटीन पे मुझे इंडेज लग रहे हैं क्योंकि ये मेरी फर्स्ट एप्लीकेबल मैंडेटरी डेट है उसके बाद तो मेरी नेटवर्क टू फिफ्टी करोड़ से भी नीचे हो गई और मैं अनलिस्टेड कंपनी हूँ तो क्या मुझे फिर भी फॉलो करना पड़ेंगे येस क्यों क्योंकि एक बार अगर इंडेज लग गए तो फिर हमेशा के लिए आपके ऊपर इंडेज लग गए तो थर्टी वन थ्री फोर्टीन से थर्टी वन थ्री फिफ्टीन थर्टी वन थ्री सिक्सटीन ये सब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख लो एक भी बार अगर आपने नेटवर्क क्राइटेरिया मीट कर दिया आप पिन डेस्त तय हो गए लगना फिर आजीवन लगेंगे हाँ अगर ये कंपनी एन बी एफ सी होती तो मैंने क्या बोला एन बी एफ सी में अपने को देखना ही थर्टी वन थ्री सिक्सटीन है और थर्टी वन थ्री सिक्सटीन में तो ये टू फिफ्टी करोड़ रुपीज़ या उससे ज्यादा है ही नहीं पाँच सौ तो बहुत दूर की बात है

तो रिजर्व मेड आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ वो सारे रिजर्व जो पी से निकाल के बनाए गए हैं इसका मतलब भले वो रिवेन्यू रिजर्व हो या कैपिटल रिजर्व पर पी से बने तो जैसे रिवेल्यूएशन रिजर्व जो होता है वो रिवेलुएशन रिजर्व पी एंड एल से नहीं बनता है एसेट्स के रिवेलुएशन पे बनता है तो वो शामिल नहीं होगा कैपिटल रिजर्व अमाल का है तो वो शामिल नहीं होगा पहले से हमारी कंपनी ने इस साल सौ करोड़ के प्रॉफिट कमाया और उसमें से पच्चीस करोड़ ट्वेंटी फाइव करोड डिविडेंट इक्वलाइजेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए तो वो शामिल होगा क्यों क्योंकि वो प्रॉफिट से कमाएगा ध्यान रखना इट इज़ नॉट रेवेन्यू रिजर्व इट इज रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स सिक्योरिटी प्रीमियम शामिल किया जाएगा क्यों क्योंकि एक तरह से पेडअप शेयर कैपिटल जैसे ये पैसा मंगाया अपन ने ओनर से और पी एंडल का क्रेडिट बैलेंस है प्लस हो जाएगा डेबिट बैलेंस से माइनस हो जाएगा कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस डेफॉर्ट एक्सपेंस मिसलेनियस एक्सपेंस जो राइट ऑफ नहीं हुए ऐसा कुछ भी है तो माइनस हो जाएगा आईसीआई के क्लरिफिकेशन ग्रुप ने क्लैरिफाई किया है कि अगर आपको कोई कैपिटल ग्रांट्स मिली है तो उसे नेटवर्क का पार्ट मान लिया जाए भले ही वो रिजर्व मेड आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है बट वो कैपिटल नहीं चरखे हैं तो कैपिटल ग्रांट का मतलब जैसे कि सेक्शन एड कंपनीज पर क्या इंडेज लगेंगे हाँ क्योंकि कहीं एक्सेप्शन नहीं है तो उन्हें कोई कैपिटल ग्रांट मिल गया बेसिकली एज अ कॉर्पस फंड तो उसे शामिल किया जाएगा क्योंकि उनकी पेडअप शेयर कैपिटल सब स्टैशियली डोनेशन या कैपिटल ग्रांट से ही फंडेड हो गए ये स्पेसिफिकली ध्यान शेयर बेस्ड पेमेंट में आप एक शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए ईसॉप रिजर्व बनाते हो क्योंकि ये पी एंडल से खर्चा डेबिट करके बनाया गया है इसलिए ईसॉस रिजर्व को भी नेटवर्क के अंतर्गत शामिल किया जाता है तो सर क्या हमें कैलकुलेशन करने का नेटवर्क का क्वेश्चन आ सकता है इंस्टीट्यूट ने आपके मॉड्यूल में इस तरह के क्वेश्चन ऐड किए हैं चलो देखते हैं कंपनी ए है के इक्विटी शेयर लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दो से तो इसका मतलब आपके शेयर अगर लिस्टेड हैं तो इसका मतलब आप पे इंडेक्स लगना तो तय हो गए कब से वन फोर सेवनटीन से यहां से तो पक्का है तो क्वेश्चन अब सिर्फ यह बचा कि क्या वन फोर सिक्सटीन से लगेंगे तो उसके लिए मुझे लगेगी नेटवर्क नेटवर्क कब से देखना है थर्टी वन थ्री फोर्टीन अगर एनबीएफसी नहीं है तो थर्टी वन थ्री फोर्टीन की आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट का स्नैपशॉट दिया इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड होगा जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा पी एंडल से बनता है रिवैल्युएशन रिजर्व नहीं होगा पीएनडएल का क्रेडिट बैलेंस ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है ये कवर ही नहीं फिक्स असेट से कोई मतलब नहीं है इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है करंट असेट से कोई मतलब नहीं है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस होगा तो वन सिक्सटी प्लस टू हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी प्लस सेवेंटी फाइव माइनस एट्टी फाइव जीरो आता है फाइव जीरो इन करोड है तो दिस इज मोर देन फाइव हंड्रेड करोड अपना आंसर हो जाएगा इट विल बी एप्लीकेबल फॉर वन फोर सिक्सटी खत्म अब कंपनी लिस्टेड हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नेटवर्क क्राइटेरिया आपने मीट कर दिया आपके ऊपर इंडेस वन फोर सिक्सटी इनसे लगना तय हो गया एज पर रोड में फेज कंपनी विल फॉल तो वी विल से फेज वन इसे फेज वन बोलते हैं जो एक चार सोलह वाला है क्या आपका आंसर बदलेगा अगर कंपनी अनलिस्टेड होती हम बोलेंगे नो एज वो नेटवर्क के क्राइटेरिया के बेसिस पर कवर्ड है तो लिस्टेड हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इस एस एम का मतलब है स्टडी मटेरियल सब में रेफरेंस दिए हुए क्वेश्चन का क्या सपोज कोई क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है और आरटीपी में भी है तो एक जगह एस एम दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे आरटीपी का भी रेफरेंस दिया हुआ रहेगा नॉर्मली स्टडी मटेरियल है को तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उसे दिया जाता है ऐसे में लिखा जाता है और पास्ट एग्जाम में कोई क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में भी है तो हो सकता है यहाँ पे पी लिख दिया जाए विच इज़ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि स्टडी मटेरियल सॉरी पहले वाले क्वेश्चन में अगर पी एंड माइनस थ्री सेवेंटी फाइव करोड़ होता तो ये माइनस थ्री सेवेंटी फाइव करोड़ अगर होता सेवेंटी फाइव की जगह तो डेफिनेटली चीज़ें हमारी चेंज हो जाती है तो आपका बोला गया है उस केस में क्या इंडेज कम नहीं है एप्लीकेबल होगा तो फिर नेटवर्क डेफिनेटली उसकी हिसाब साफ दिख रही है कि टू फिफ्टी करोड़ से ही कम हो जाएगी पर फिर उस पर इंडेक्स क्यों लग जाएगा लिस्टिंग के कारण लग जाएगा तो वन फोर सेवनटीन से क्योंकि वो लिस्टेड है क्या आपका आंसर बदलेगा अगर वो अनलिस्टेड है फिर तो लगेगा ही तो ये इस तरह से आपको आंसर दिया गया आप एक बार इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो और देख सकते हो आई होप ये सबको क्लियर है दिस इज बेसिकली नेटवर्क कैसे कैलकुलेट की जाती है और नेटवर्क कैलकुलेट करके आपकी एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पर आएगी ठीक है ध्यान रखना दोस्तों अगर आपने से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फिक्स असेट है पीपी पी सौ -पी, करोड़ का जिसका बुक्स में चालीस करोड़ कैरिंग अमाउंट आ रहा है साठ करोड़ का सिक्सटी करोड़ डेप्रिसिएशन लग चुका है आज उसे हंड्रेड एंड ट्वेन करोड़ पे बेचोगे तो आपका प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा सेवनटी करोड़ मेरा सवाल आपसे है कि सेवेंटी करोड़ पी एंडल में जाएगा या सेवेंटी करोड़ में सिक्सटी करोड़ पी एंडल में जाएगा क्यों क्योंकि आप 110 पे जो चीज़ बेच रहे हो जिसका आज 40 गैरिंग अमाउंट है 70 का प्रॉफिट है उसमें से 60 का प्रॉफिट इज बेसिकली अप टू कॉस्ट यानी रिकवरी ऑफ डिप्रिसिएशन है और 10 का प्रॉफिट इज बियॉन्ड कॉस्ट इसका मतलब ये तो कैपिटल नेचर का है तो आप बताइए इसकी अकाउंटिंग क्या होगी क्या पूरा सत्तर पी ओर एल में क्रेडिट होगा मैं आपसे इंडेज की एप्लीकेबिलिटी नहीं जनरल एंट्री पूछ रहा हूँ या सिक्सटी पी एन में और दस कैपिटल रिजर्व में या पूरा सत्तर कैपिटल रिजर्व में या कुछ भी कर सकते हैं द करेक्ट आंसर इज ये भूल के भी ये भंडा मत लगाना इनकम टैक्स वाला कि डिप्रिशिएबल एसेट में कॉस्ट थक्का हो प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट है उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अकाउंट्स में सिंपल फंडा है कोई भी रियलाइज प्रॉफिट है आपके असेट पे कॉस्ट के ऊपर भी है तो भी वो बी आर एल में जाएगा जैसे लैंड बेचते हैं जो प्रॉफिट होता है बी आर एल में ही जाता है लैंड में प्रॉफिट पूरा कॉस्ट के ऊपर ही हो इन्वेस्टमेंट बेचते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है उस पर तो वो भी पी एंड एल में जाता है भले ही वो कॉस्ट के ऊपर है तो ये पूरा प्रॉफिट पी एंड एल में ही जाएगा दोस्तों और पी एन एल में जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ ये सब आपके नेटवर्थ को बढ़ाएगा तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें दोस्तों ध्यान रखना सत्तर को नॉमिन क्लेचर के लिए ऐसा कहते हैं कि सेवेंटी सिक्सटी इज रेवेन्यू प्रॉफिट बिकॉज इट इज रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन एंड टेन इज कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज इट इज कैपिटल इन नेचर अबव कॉस्ट बट बोथ ऑफ देम आर प्रॉफिट्स नॉट बोथ ऑफ देम आर रियलाइज प्रॉफिट दे आर नॉट रिवेल्यूएशन गेन और कैपिटल गेन्स ये कोई अनरियलाइज अनरियलाइजैलशन या कैपिटल गेन नहीं है जैसे हमें सीधे रिजर्व में डालना एक चीज और ध्यान रखना ये नेटवर्क जो भी निकालोगे ये एस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है उसके अनुसार होगी क्यों क्योंकि इंडेस की एप्लीकेबिलिटी अगर आप चेक कर रहे हो तो आप उसके लिए पहले इंडेस के अनुसार बैलेंस शीट नहीं बनाओगे आपकी जो बनी हुई अवेलेबल बैलेंस शीट है जो एस अनुसार है वही बैलेंस शीट को यूज करके आप डिसाइड करोगे कि आपके ऊपर इंडेस लग रहे हैं या नहीं ठीक है तो एस बेस बैलेंस शीट के आधार पर देखा जाएगा तो ये अपना एक डिस्कशन हो गया फेलो सब्सिडी का नेटवर्थ का भी हो गया कैसे कैलकुलेट करनी है क्या आएगा क्या नहीं आएगा अब आते हैं लिस्टिंग पे। मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है समझ लीजिए दोस्तों लिस्टिंग का क्या मतलब है समझा हेलो <laughs> लिस्टिंग की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में जो दी गई है वो डेफिनेशन इंडेस रूल्स में यूज नहीं की गई है पहली बात क्योंकि कंपनीज एक्ट में कुछ प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को लिस्ट कराती है या पब्लिक कंपनी जो इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं कराती है और सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी या फॉरन एक्सचेंज फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ लिस्टिंग कराती है उन्हें लिस्टेड नहीं माना जाता है अंडर कंपनीज एक्ट लेकिन यहाँ नेटवर्थ को बोला है इस पर कंपनीज एक्ट पर लिस्टिंग है इस पर कंपनीज एक्ट नहीं है लिस्टिंग की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है इंडेस रूल्स में कोई कंपनी लिस्टेड है या लिस्ट होने वाली यानी उसने एप्लीकेशन दे दी है एक्सचेंज में और पेंडिंग है रिजेक्ट नहीं हुई है भारत में या आउटसाइड इंडिया तो सर एक बार एप्लीकेशन दी तो टू भी लिस्टेड हो गई तो इंडेज लग गए हाँ फिर विड्रॉ कर लेगा तो एक बार लग गए तो आजीवन लगते रहेंगे हाँ इसका मतलब तय हो गया है कि इंडिया ही फॉलो कर अगर आप इंडिया में ना करा के सिर्फ आउटसाइड इंडिया लिस्ट करा दे तो भी आप लिस्टेड माने जाओगे इंडियाज के लिए और डेट कराओ या इक्विटी शेयर्स कराओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हर केस में आपको लिस्टेड माना जाएगा इंडिया एप्लीकेबल होने के लिए तो लिस्टेड लिस्टेड और तो इन और आउटसाइड इंडिया डेट और इक्विटी विल ट्रीटेड और विल मेक यू अ लिस्टेड एंटिटी ऑन विच एप्लीकेबल नंबर वन नंबर टू लिस्टिंग में बस एक एक्सेप्शन है कि अगर आप एस एक्सचेंज पर अपने आप को लिस्ट कराते हो तो आपको लिस्टेड नहीं माना फिर आप नेटवर्थ के क्राइटेरिया से या होल्डिंग सब्सिडी होने के नाते से हो सकता है कि इंडेक्स में कवर हो लेकिन लिस्टिंग के बेसिस पे आप इंडेक्स में कवर नहीं हो या आपने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में प्राइवेट प्लेसमेंट बिना एपीओ के जिसे आप इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म कहते हैं लिस्टिंग कराइए है, तो भी नहीं माना जाएगा कि आप लिस्टेड हैं, यानी लिस्टिंग के आधार पर आपको इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है प्लेटफॉर्म वगैरह क्या होते हैं वो सब अभी। चलिए। होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट इन सब की परिभाषा एस पर कंपनी तो क्या हुआ दोस्तों ये जो इंडेज रूल्स 2015 बनाए गए ना इसने कुछ डेफिनेशन खुद दी और एक जनरल क्लॉज डाल रखा है कि टर्म्स विच आर नॉट डिफाइंड इन द रूल्स विल बी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट और उसमें नेटवर्क आता है उसमें होल्डिंग सब्सिडी ये भी एसोसिएट टर्म्स आती हैं तो ये सब एज पर कंपनीज एक्ट हो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों ये सारी चीज़ें आईसीआई के मॉड्यूल में दी नहीं है बट मुझे लगा समझने के लिए ज़रूरी है तो ब्रह्मा इसमें शामिल किया हर वो ऐसी चीज़ जो आई आई के मॉड्यूल में नहीं है लेकिन ब्रह्मास्त्र में शामिल की गई है जो आपकी पूरी ब्रह्मास्त्र के कंटेंट का सब मिला जुला के आप ये कह सकते हैं पाँच से दस परसेंट होगा उन सबके पास में एक रेड ब्रैकेट दिया गया है जिसका मतलब है हम इसे कवर कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि अपनी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो पर आई के मॉड्यूल में दिया नहीं इसका मतलब ये आएगा नहीं इसके आने के चांसेस कम है लेकिन नवंबर 23 में आप देख चुके हो पहला ही क्वेश्चन 20 मार्क का जो आया उसमें जो बोनस के एडजस्टमेंट्स आए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कहीं दिया नहीं था अपनी स्ट्राइकर में जरूर थे बट इफेक्टिवली क्या हुआ एग्जाम में पूछेगा क्लास में करे हुए कई सारे बच्चे उसे हैंडल कर पाए कई सारे नहीं भी कर पाए अपने से पढ़े हुए भी उसका कारण क्या है बच्चों से बात हुई तो मालूम पड़ा कि सर वो दिमाग में एक ऐसी मानसिकता सी बन गई थी कि यार स्टडी मटेरियल से ही पेपर आता है तो वही वही चीजों पे फोकस करो थैंक गॉड अभी पास होगा नहीं तो अगली बार अगर करते तो डेफिनेटली फिर क्या करते हैं कॉम्प्रेंसिव कवरेज करते सो दैट्स अ लर्निंग फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट और दोस्तों दूसरों की गलतियों से अपन सीख ले इससे बढ़िया कुछ नहीं है क्योंकि खुद गलती करके सीखेंगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी चलिए किसी ने कहा सर मैंने बहुत सारे एसएमई वाली कंपनियों को देखा है कि वो लोग रिजिस्ट्रेड करते हैं तो ऐसा क्यों है दैट इज टू देयर चॉइस क्यों क्योंकि एस में भी आप लिस्ट कराते हो तो हो सकता है भाई आपके इंटेंशन क्या ही होगा आगे आके आपको बड़ा करके लिस्ट चलिए अब आते हैं वन होल्डिंग जेवी एसोसिएट्स के ऊपर यह सारी परिभाषा आपको कहां से उठानी है दिस इज ऑल यू हैव टू फ्रॉम द कंपनीज एक्ट अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए जिसके ऊपर कहीं आईसीआई के मॉड्यूल में डिस्कशन नहीं है बट दिस इज इंपॉर्टेंट इंडेस रूल्स में दिया गया नेटवर्थ हमें चेक करना है प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तारीख पर या लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर बट द सेम रूल डज नॉट अप्लाईज टू लिस्टिंग एंड होल्डिंग सब्सिडी जेवीएसओ सी ये जितनी बातें अपन कर रहे हैं इससे आपको एक बेसिक चीज समझ में शायद अब आ गई होगी कि अगर मुझे इंडेस की एप्लीकेबिलिटी चेक करना है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए मुझे चार चीज़ों पे फोकस करना है सबसे पहले तो उसका लीगल स्टेटस देख लो कि कहीं वो कंपनी है या नहीं है या बैंक इंश्योरेंस तो नहीं है या एनबीएफसी तो नहीं है उनके नियम अलग हो गए दूसरा नेटवर्थ तीसरा लिस्टिंग और चौथा ग्रुप एंटिटी होल्डिंग सब्सिडीज ये भी एसोसिएट ऐसे जनरल नाम लिखे मैंने सिर्फ समझने समझाने के उद्देश्य से ध्यान रखना दोस्तों नेटवर्क आपको लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर देखना है लेकिन ये जो दोनों चीजें है ना ये दोनों आपको एनी टाइम दे तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लेट्स ये फॉर एग्जांपल इफ माय कंपनी गेट्स लिस्टेड और अप्लाईज फॉर लिस्टिंग

30 जून 2024 से इस पर लगना शुरू होंगे वो बात अलग है कि इसके पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेक्स के अनुसार कब बनेंगे 31 मार्च 25 के और डेट ऑफ ट्रांजिशन होगी फर्स्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर यानी फर्स्ट अप्रैल 2023 क्योंकि कंपेरेटिव 23 24 और करंट ईयर 24-25 दोनों इंडेस के अनुसार प्रेजेंट किया जाएगा चलिए अमित भाई वन स्टूडेंट फैकल्टी एट हैं स्वागत है अमित भाई आपका थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स एंड द तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कहानी दोस्तों कुछ ऐसी है कि इंडेस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो एप्लीकेबिलिटी किसके बेसिस पर आती है चार चीजें आपको ध्यान रखना है उसमें से नेटवर्क आपको प्रीवियस ईयर एंड पे देखना है बस बाकी सब एनी टाइम तो क्या लिखा है होल्डिंग सब्सिडरी लिस्टिंग आर टू बी चेक ड्यूरिंग द ईयर दैट इज फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर अनटिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कभी भी अनलाइन नेटवर्क विच इज चेक ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रिडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन को एच की एक सब्सिडरी विच वॉज कवर्ड फ्रॉम वन फोर सेवनटीन ट्रू नेटवर्क क्राइटेरिया बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है तो so, एस वन फोर सेवनटीन पर कवर हो रही थी क्योंकि इसकी नेटवर्क टू फिफ्टी करोड़ उससे ज्यादा थी

नेटवर्थ के आधार पे भले ही थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन पर तय हुए कि वन फोर सेवनटीन से लगेंगे पर वन फोर सेवनटीन पर जब आप पे इंडेज लगेंगे तो वन फोर सेवनटीन पर जो आपकी होल्डिंग सब्सिडी जे वी एसोसिएट है उनके ऊपर लगेंगे उससे पहले कोई थी तो उससे कोई मतलब उस दिन आपकी जो होल्डिंग थी उस पर इंडेज लग गए बाद में अगर वो होल्डिंग होल्डिंग नहीं बची तो भी उस पर एक बार इंडेज लग गए तो आजीवन लगते रहेंगे यानी अगर यही इन्वेस्टमेंट एच एस में Let's say 1417 या उसके बाद बेचा होता तो देट पर्टिकुलर के लिए इंडेज लग जाते पे लगे जिस दिन, उस दिन उसकी होल्डिंग थी एच और एक बार एच पे लग गए आजीवन के लिए कवर हो जाए ये वाला एस्पेक्ट क्लियर है सबको यानी होल्डिंग सब्सिडी वाली रिलेशनशिप में प्रीवियस ईयर वाले कोई लफड़े नहीं है मुझ पर आज इंडेज लगा तो आज से लेके मैं आजीवन इंडेक्स फॉलो करूंगा तो आज से लेके आजीवन जितनी मेरी होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट किसी भी क्षण के लिए बनेगी उन सब पे इंडेस लग जाएंगे भले ही फिर वो बाद में मेरी एसोसिएट जेवी या सब्सिडी या होल्डिंग बचे या ना बचे पर आज से पहले अगर कोई मेरी होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट थी तो उस पर नहीं लगी वैसे ही एक बार मैं लिस्टेड टू बी लिस्टेड हो गया तो इंडेक्स लगेंगे भले ही बाद में मैं अनलिस्टेड हो जाऊँ एक बार मेरी नेटवर्क क्रॉस हो गई तो लगेंगे फिर भले ही कम हो जाए आपको यहाँ पे ये यह ध्यान रखना है दोस्तों की एप्लीकेबिलिटी में छोटी छोटी बातें अपने आप में बड़ी क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है वी शुड बी आप क्लियर अबाउट इस थिंग्स चलिए आई होप दिस हेल्प्स अब इसके बाद अपन इंडियाज एक बार लग गए तो आजीवन के लिए लग जाएंगे डेट ऑफ ट्रांजिशन मैंने बता दिया आपको प्रीवियस ईयर की ओपनिंग डेट होगी तो डेट ऑफ ट्रांजिशन से क्या करना होगा इंडियाज को रिस्ट्रेट करना पड़ेगा अब एक अपन ने बढ़ा किया एन बी एफ इसके ऊपर इंडेज लगने का अलग रोड मैप है तो सवाल उठता है एन बी एफ सी के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तो मेरा आपसे एक सवाल है मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ मेरे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस है मोतीलाल ओसवाल एंजल ब्रोकर्स आनंद राठी इस तरह की कोई कंपनी हो और मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ हाँ बताइए दोस्तों क्या एक स्टॉक ब्रोकर को आरबीआई बी गवर्न करती है या सी अकॉर्डिंगली क्या एक स्टॉक ब्रोकर एनबीएफसी है या नहीं जवाब दीजिए स्टॉक ब्रोकर बताएं नॉट एन एनबीएफसी स्टॉक ब्रोकर को आरबीआई ने सीबी गवर्न कर दिया और आरबीआई के नियम अनुसार स्टॉक ब्रोकर आर नॉट एन बी एफ सी बट इंडेस के नियम के अनुसार स्टॉक ब्रोकर इज एन एनबीएफसी इंडेस में किन किन चीजों को एनबीएफसी में शामिल किया गया है तो इन्होंने कहा एन बी एफ सी एनबीएफसी एज पर सेक्शन फोर्टी फाइव आई बी ऑफ द बी आई एक्ट प्लस स्पेसिफाइड एंटिटीज इसका मतलब है कि हर वो एंटिटी जो आरबीआई के अनुसार एनबीएफसी है वो इंडेस के लिए एनबीएफसी है इसके अलावा ये सारी एंटिटीज आर डिम्ड एनबीएफसी फॉर द पर्पज ऑफ

चलिए मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी वेंचर कैपिटल सिक्योरिटाइजेशन रिस्ट्रक्शन कंपनी मॉडगेज कंपनी पेंशन फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी ये असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है म्यूचुअल फंड की कंपनी जो असेट मैनेज करती है स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर चिट फंड फंडी कंपनी इन सबको भी एन बी एफ सी माना गया है फॉर द पर्पज ऑफ इंडेज यानी इनके ऊपर कौन सा वाला रोड मैप लगेगा वन फोर एटीन वाला तो इतने सारों को शामिल करने से फायदा क्या हुआ अगर इन्हें एन में शामिल नहीं करते ना तो इनके ऊपर वन से भी इंडेक्स लग सकते थे तो एक तरह से इनको दो साल का एक्सटेंशन मिल गया और कुछ नहीं हुआ नेक्स्ट बैंकिंग कंपनी को चाह के भी ऑप्शन नहीं है वो फॉलो नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनी में भी ऐसा ही है ये एक रीसेंट अमेंडमेंट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू आ सकता है डिस्क्रिप्टिव तो शायद ही आएगा दोस्तों म्यूचुअल फंड अपने आप में क्या होता है इट इज़ नॉट अ कंपनी बट यूजुअली अ ट्रस्ट आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल फंड का लेआउट ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है पैसा पूरा वो मैनेज करती है और फंड बेसिकली क्या करता है यूनिट्स इससे इशू करा के इसको पैसा दिलवा के इसको पूरा मैनेज करता है ट्रस्टी इसका फंड होता है तो ये ट्रस्ट होता है तो ट्रस्ट है तो कंपनी नहीं है कंपनी नहीं है तो इंडेक्स लगने नहीं है पर यह एक्सेप्शन है स्पेसिफिकली कहा गया है सेबी म्यूचुअल फंड अमेंडमेंट रेगुलेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एज पर इंडियाज तो म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीम्स होंगी वो सारी स्कीम्स इंडिया के अनुसार मैंडेटरिली क्या करना है उन्हें फॉलो करना है फिर उस पर्टिकुलर केस में उसकी नेटवर्क टू फिफ्टी करोड़ हो या नहीं हो कुछ भी हो इनको इंडिया ही फॉलो करना है सेबी ने इस कारण से फॉर्मेट भी प्रिस्क्राइब किया है म्यूचुअल फंड स्कीम्स का कैसा होगा और ये एक चार तेईस से ही एप्लीकेबल है तो म्यूचुअल फंड ऑल स्कीम ऑफ नेटवर्थ होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट क्राइटेरिया लिस्टिंग क्राइटेरिया आई होप ये यहां तक सबको क्लियर है इसके साथ हमारी क्या कवर हो जाती है दोस्तों दिस बेसिकली कवर्स अपल योर डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी फॉर इंडेज हमारे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हो गए एक क्वेश्चन है और रह गया देख लेते हैं एक नेटवर्थ कंपनी भी एक अनलिस्टेड कंपनी है उसकी छह सौ करोड़ इकतीस मार्च दो हजार चौदह पे तो अगर ये एन बी एफ सी नहीं है तो इस पे वन फोर सिक्सटीन सेवन डेज लग जाएंगे फोर्टीन फिफ्टीन में इसकी नेटवर्क चार सौ करोड़ हो गई तो इस पे इंडेक्स कब लगेंगे थर्टी वन थ्री पे पांच सौ करोड़ या उससे ज्यादा थ्री थर्टी वन थ्री फोर्टीन पे तो वन फोर सिक्सटीन इसकी आंसर चलिए मुझे लगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रोड मैप रिलेटेड उतने ही क्वेश्चन मैंने सुपर हंड्रेड में कवर किए हैं दिस चैप्टर वॉज ऑल यूर ऑल्सो इंक्लूडेड वेरी ब्रीफली इन योर मॉड्यूल बट अब इसको थोड़ा सा गहराई में शामिल किया गया तो जितना इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट पार्ट है वो पूरा अपन ने डिस्कस कर लिया इसके अलावा कई सारे सेक्शंस दिए गए कंपनीज एक्ट के आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं रेलिवेंट से भी रूल्स और गाइडलाइंस आपको दी गई है जैसे इंटर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंडे एप्लीकेबल होंगे तो बनाना पड़ेंगे अगर आपके ऊपर इंडेस लग गए तो जिस दिन लग रहे हैं उसके अगले ही आपकी इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट भी जो बनेगी यानी क्वार्टरली रिजल्ट जो आप पब्लिश करोगे वो एज पर इंडेक्स करोगे और प्रीवियस क्वार्टर्स के भी रीस्टेट करना पड़ेगा कई बार एक प्रॉब्लम ये आती है कि कोई कंपनी लिस्टिंग में जाती है तो उसे प्रोस्पेक्टस में इंडेक्स क्या करना पड़ते हैं प्रीवियस ईयर के रिजस्टेट करके देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब जैसे ही आप लिस्टिंग में जा रहे हो तो आप तो इंडेस लग रहे हैं तो आपको अपने प्रोस्पेक्टस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देना होते हैं तो उसमें सीवी की रिक्वायरमेंट है कि तीन साल के एज पर इंडेक्स रिजस्टेट करके दिए जाते हैं उसमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का इशू आता है बट ये सब प्रैक्टिकल इशूज़ है जिस बारे में कोई डिस्कशन है नहीं यहाँ पे तो उस पर ज़्यादा डिवेल्प नहीं कर रहे अपन हाँ बट ऐसा है कि आपको लिस्टिंग कराते हो तो प्रोस्पेक्ट में इंडेज के अनुसार री करके फाइनेंशियल देना पड़े जितनी कंपनी इंडेज फॉलो करती है उनका फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंडेज में नहीं दिया है कंपनी में दिया गया है शेड्यूल थ्री डिवीजन टू में जो अभी अपन डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा कार्बन कारवाउट का डिस्कशन मैंने यहाँ पे दिया है एक बार इसे सुन लीजिए सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग क्योंकि रेड ब्रैकेट है इसका मतलब आई के मॉड्यूल में दिया नहीं है पर आपको बताना चाहिए क्या इंडेस और एफ आर एस एक जैसे है नाइन्टी फाइव परसेंट या नाइन्टी एट परसेंट एक जैसे ही है इनमें बदलाव हैं हाँ है कुछ कंसेप्चुअल इशूज हैं जो दोनों में अलग है जैसे कि इंडेस कहता है कि लॉ में और इंडेस में कॉन्फ्लिक्ट आया तो लॉ की बात मानना तो उदाहरण के तौर पे एक एनबीएफसी को आरबीआई ने कहा है कि अगर 90 दिन से ज़्यादा अगर हो, या थ्री मंथ्स और मोर अगर ओवर है तो एनपीए करो और प्रोविजन बनाओ लेकिन इंडेस कहता है कि अगर 30 डेज से बियॉन्ड पांच डी हो गया तो इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क के और अकॉर्डिंगली आपको इंपेयरमेंट बुक करना होगा ऐसी सिचुएशन में आप आरवी आई नॉम फॉलो करो पर्याप्त जबकि आई एफ आर एस कहता है कि अगर आपके लोकल लॉज में और आई एफ आर एस में कॉन्फ्लिक्ट आया तो आप आई एफ आर एस फॉलो करो और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण से हम भारत में आई एफ आर एस फॉलो नहीं कर पाए और हमें आई एफ आर एस से कन्वर्ज करके इंडेस बनाना पड़े क्यों क्योंकि क्यों हम दोस्तों बाहर का पिज्जा भी अपना जीरावन डाल के खाते मतलब हमें क्या करना पड़ा हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को थोड़ा हमारे हिसाब से मोल्ड करना पड़ा तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को जब अपन ने थोड़ा सा मोल्ड किया अपने इंडियन नॉर्म्स के अनुसार तो हमने दो बदलाव किए एक ऐसे बदलाव किए जो कंसेप्चुअली उससे अलग है कंसेप्चुअली अगर अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ इसे कहते हैं कारवाउट्स जैसे कि इंडेस कहता है स्टैचू विल प्रिवेल ओवर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बस स्टैचू प्रिवेल्स ओवर इंडेस जबकि आई एफ आर एस उल्टा कहता है इट्ज आई एफ आर एस विल प्रिवेल ओवर ऑल द लोकल लॉज एक एग्जाम्पल है कुछ डिफरेंसेस हमने ऐसे डाले जिसमें हमने कुछ चीजें एक्स्ट्रा डाल दी जो इंडियज में है पर इसमें ही नहीं सॉरी आर इसमें नहीं है। इसे कहा गया कार्विंस एडॉन्स इन तो दस में क्या है प्रमाणली अगर आप देखोगे तो एक इंडियज वन जीरो थ्री में कॉमन कंट्रोल ट्रंजेक्शन का एग्जाम्पल है बस वही और कुछ नहीं है इसे कार्विन कहा गया डेफिनेशन समझ लीजिए इंस्टीट्यूट ने इसे ऐसे इस तरह से क्लैरिफाई किया प्लस कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट ये थोड़े से आप यूं समझ लीजिए टर्मिनोलॉजी चेंजेस हैं कि वो लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रेंसिव इनकम हम कहते हैं उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो ये नाम में बदलाव है इससे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है टर्मिनोलॉजी चेंजेस या कई जगह हमने हमारे ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट कर दिए जैसे आई ने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट या रिवेल्यूएशन कोई भी मॉडल से वैल्यू करो पर हमने बोला नहीं हम कॉस्ट मॉडल ही वैल्यू करने के लिए देंगे रिवेल्यूएशन नहीं देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने दो ऑप्शन दिए हमने उसमें से एक ही रखा तो ऐसा नहीं हमने उसे किया ऐसा नहीं है कि हमने उसे किया हमने जो उन्होंने ऑप्शन दिए थे उन्हीं में से एक ऑप्शन घरवाल बोला इससे इससे इन दोनों में से एक से शादी कर ली हमने उनमें से एक से शादी कर ली हमने बोला भाई हम तो क्या करेंगे स्वीटी और सिल्की में स्वीटी से ही करेंगे तो हम उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे इसलिए यह कारवाउट नहीं है हमने सिर्फ स्कोप लिमिट कर दिया लेकिन वो बोल रहे हैं स्वीटी और फिलकी से कर ले और अपन सकीना से कराए तो ये यह कारबाउट है तो जो कंसेप्चुअली अलग है वो कार्ब आउट है जो कंसेप्चुअली अलग नहीं है लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कंसेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है तो उसे कार्बाउट नहीं माना जाएगा उस टर्मिनोलॉजी चेंजेस या रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑप्शन होगी और अगर आपने कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो फिर उसे कहा का जाएगा तो ये दोस्तों आपकी कहानी है दिस बेसिकली कवर्स अप ऑल द इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज देयर इन योर रोड मैप स्टैचुटरी प्रोविजन आप देख सकते हो इसके अलावा है ना शुरू में एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है जो आपको देखना है तो देख लीजिएगा मुझे नहीं लगता है कि एम में वो क्या करेंगे इस तरह की थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे नया चैप्टर है तो मे भी एक बार देख लें आप कभी पूछ लें तो पर ऐसा क्वेश्चन आने की चांसेस कम है कि वो इस तरह से कोई सवाल डाल दें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टाइम दी गई है कि 1970 सेवेंटी ये नया इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में सेवेंटी थ्री में आई एस फॉर्म हुआ उससे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनी बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई तो आई ए एस देता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर आई भी आया उसने आई पब्लिश करना शुरू किया और बोला पुराने आई ए अभी लागू रहेंगे धीरे धीरे हम उनको रिप्लेस कर देंगे आई एफ से फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन ने बोला कि भैया तीस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने असेस कर दिए और रिकमेंड किया कि मेंबर्स क्या कर सकते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं दो तो में यूरोपियन यूनियन में लिस्टेड कंपनीज़ ने बोला कि भैया अब हम आई फ़ फॉलो करेंगे 2005 से और उसके बाद एक यू के यू एस गैप और दूसरे आई ये दो ग्लोबली प्रोडामेंटली फॉलो किए जाने वाले स्टैंडर्ड फिर उसके बाद कई लोगों ने कन्वर्जेंस किया जैसे कि चाइना इंडिया ने उन्होंने बोला कि हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फॉलो कर लेंगे आई आज की तारीख में यूएस गैप्स के साथ दो ग्लोबली रिकोगनाइज स्टैंडर्ड है वन सिक्सटी सेवन जुरिस्टिक्शन में आई एफ आर एस फॉलो किए जाते हैं या तो सबके लिए या पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज या मेजर कंपनीज के लिए और पंद्रह जोरिस्डिक्शन परमिट करते हैं कंट्रीज यानी कि आप चाहो तो आई एफ आर एस फॉलो कर लो या चाहो तो हमारे लोकल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लो क्या जरूरत थी ग्लोबल स्टैंडर्ड की क्योंकि बाहर के इन्वेस्टमेंट जहाँ आ रहे हैं तो उनको हमारी भाषा समझ में आना चाहिए किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फायदे क्या है कन्वर्जन ऑप्शन तो हम कन्वर्जन पे गए गएशन पे नहीं गए प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट क्या है एक बार ये देख लीजिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नया एफ देता है उस पर डिलिवरेट किया जाता है जब भी नया एफ आएगा और उस पर एक ड्राफ्ट इंडेज बनाया जाएगा एफ आर के जैसे ये जो ड्राफ्ट होगा ये सर्कुलेट किया जाएगा काउंसिल मैंबर्स पिक्की और ऐसी सब बॉडीज नफरा वगैरह और उनके कमेंट्स लेने के बाद फिर पब्लिक कमेंट्स लिए जाएंगे एक्सपोजर ड्राफ्ट सबके कमेंट्स फिर सॉरी एक्सपोजर ड्राफ्ट से पहले का स्टेज है ये तो सबसे मीटिंग वीटिंग करके आप समझ लेंगे उनके कमेंट्स इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट देंगे फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट पे पब्लिक के कमेंट्स आएंगे जिसे आप कंक्लूड करेंगे ऐड करेंगे और फाइनली नफरा का रिकमेंडेशन लेके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया इसको नोटिफाई कर और ट्रांजिशन क्या है तो ये अपन ने डिस्कस किया है कि किस तरह से करना है अभी अपन वही डिस्कस कर रहे थे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर आई एफ आर एस कन्वर्स स्टैंडर्ड सो दे आर नॉट द सेम बट दे आर सिमिलर हमने कन्वर्ट नहीं किया है कन्वर्ट किया यानी ऑलमोस्ट कन्वर्ट किया आ, इंडेस की नंबरिंग कैसे की गई है तो जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको इंडेस में नंबर दिया गया है वन टू थ्री और जितने भी आई एफ आर एस है उनको नंबर दिया गया है वन जीरो वन वन जीरो टू वन जीरो थ्री तो सौकी सीरीज दे दी इंटरनेशनली कोई भी आई एफ आर एस पे अगर कोई क्लैरिफिकेशन इशू करना होता है एक आई एफ आर एस इंटरप्रिटेशन कमिटी है जो इंटरप्रेट करती है और समय समय पे आई एफ आर आई सी पब्लिश करती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीमेंटेशन कमेटी स्टैंडर्ड्स और एस सॉरी आई ए एस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कोई क्लारिफिकेशन देना होता है तो एस आई सी इश्यू होता है स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी इंडिया में हमने क्या किया है आई एफ आर आई सी और एस आई सी के बदले में हमने इंडिया इंटरप्रटेश देने की बजाय उसे इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर दिया तो हमारे यहाँ पे हम टोटल अगर आप देखोगे तो आई एफ आर एस में अठारह इंटरप्रटेशन हैं इंडिया ने उसे क्या कर दिया है उसे इनकॉर्पोरेट कर दिया सत्रह इनकॉर्पोरेट हो गए और कोऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और ये क्योंकि हमारे इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते इसलिए इनकॉर्पोरेटेड नहीं कोई भी इंडेक्स का अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है कि क्यों बनाया है स्कोप दिया जाता है क्या क्या चीज़ें कवर होगी या नहीं होगी जिसमें नॉर्मली स्कोप आउट्स दिए जाते हैं कि इन चीज़ों पे ये स्टैंडर्ड नहीं लगे उस स्टैंडर्ड में यूज़ की गई डेफिनेशन है और फिर कंटेंट होता है कंटेंट में ध्यान रखना कोई चीज़ बोल्ड में दिया है नॉर्मल में सब मैंडेटरी होता है प्रिंसिपल मेन प्रोविजन बोल्ड में होते हैं बाकी नॉर्मल टेक्सट में पर मैंडेटरी सब कुछ होता है कई बार इलस्ट्रेशन दिए जाते हैं वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होता है स्टैंडर्ड आई एफ आर एस इसलिए कहते हैं क्यों क्योंकि अब ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं और डिस्क्लोजर भी प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंटेशन तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर है ना कि सिर्फ अकाउंटिंग के ऊपर सारे इंडियाज में हो सकता है आखिरी में ट्रांजिशन अकाउंटिंग दी जाए ये नॉर्मली कब होता है जब कोई नया इंडिया या आई आर एस आता है तो पुराने से नए में कैसे शिफ्ट करना है जैसे पहले रेवेन्यू की अकाउंटिंग इंडियास इलेवन और एटीन में होती थी अब वन वन फाइव में होने लगी तो उससे इसमें कैसे शिफ्ट होना है वो ट्रांजिशनल प्रोविजन इंडियज में दिया जाए पर अगर कोई कंपनी पहली बार इंडेज लगा रही है फ्रॉम ऑल इट्स रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड यानी एस तो उसके ऊपर एक वन जीरो वन होता है फर्स्ट टाइम अडोप्शन इंडेज चाहे तो अपेंडिक्स में कुछ चीज़ें और दे सकता है नॉर्मली एप्लीकेशन गाइडेंस के इंडेस लगाया कैसे जाएगा कुछ एक्सप्लेनेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिक दे सकता है कई सारी टर्म्स को डिफाइन कर सकता है कंपेरिजन विद आई आर दे सकता है तो नॉर्मली आई और इंडेस के कम्पेरिजन अगर आपको देखना है तो वो आप अपेंडिक्स में देख सकते हैं साथ ही साथ में एफ आर आई सी और एस आई सी क्योंकि हमारे इंडियाज में इनकॉर्पोरेटेड है बल बाहर वो अलग से पब्लिश होती है तो उसके कंपेरिजन भी यहाँ पर दिया जाए ये सब क्या हमारे लिए रेलिवेंट है हो सकता है एम सी क्यू में इस बार एक आध क्वेश्चन इस थ्योरी का इस बार के लिए आ जाए एक आध् दो अटैम्प्ट के लिए मे नवंबर चॉइस उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रेलिवेंस इंपॉर्टेंस आएगा ऐसी थ्योरी चीज़ें नॉर्मली नहीं है। अब पूरे पूरे चैप्टरों में सब जगह थ्योरी पे फोकस मत करना है एम सी क्यू के लिए एक्सेप्ट जो नया चैप्टर है जैसे वो मैंने बहुत ही ब्रीफली आपके सामने ये चैप्टर का डिस्कशन थ्योरी वाले पार्ट का कर दिया है बाकी प्रैक्टिकल या ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो मैंने अच्छे से कवर करवा दिया आपको डिस्कस करा दिया इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का डिस्कशन का पहला पार्ट कम्प्लीट हो जाता है विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू द रोड मैप इसमें किसी के कोई डाउट है तो अपन चार मिनट वो डिस्कस करेंगे चार पाँच मिनट और फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं किस पे So now we'll come to 1 and schedule 3. ठीक है थ्योरी मैंने क्विकली एक बार बस आपको स्किम थ्रू करा दी है अब आप बताइए एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं क्या कितने इंडेज अभी तक एप्लीकेबल है थर्टी नाइन ना चलिए

आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपके पास जो ब्रह्मास्त्र है उसमें एकदम तीन अटैम पहले वाला अमेंडमेंट कवर्ड है या नहीं है नहीं है तो वो तीनों आपको करने हैं अगर वो कवर्ड है तो पिछले दो कर लो तो ऐसा मैपिंग करना पड़ेगी आपको एक बार चलिए और कोई डाउट है तो पूछिए रिटर्न बैक डेप्रिसिएशन क्या होता है जैसे मैंने सौ रुपये की सेट को डेप्रिशिएट कर दिया और सिक्सटी पे ले आया तो फोर्टी रुपीज़ हो गया अब मैं उसे रिवैल्यू कर रहा हूँ तो रिवैल्यूएशन में मैंने उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू पे लेके आया नाइन्टी पे तो तीस रुपए एक्यूबलेटेड अप्रिसिएशन जो था तो मैंने उसे रिवैल्यू कर दिया तो एक्यूमलेटेड अप्रिसिएशन मैंने इसे राइट ऑफ कर दिया और गेन बुक कर दिया तो ये प्य एल में क्रेडिट नहीं हो सकता है रेस में हमें है इसके लिए नेटवर्थ में शामिल नहीं होगा इसे राइट बैक ऑफ डप्रिसिएशन बोल सकते हैं सर इतना ध्यान चाहिए इंटर के स्टूडेंट्स पे भी तो बिल्कुल दे रहे बेटा तुम पर भी इंटर के बच्चों के लिए आप देखो इंटर की ब्रह्मास्त्र ऑडिट की आप देखो कभी क्या मेजर इंप्रूवमेंट किए ना हाँ हाँ मोहब्बत ना हो तुम्हें तो बताना इंटर की ब्रह्मास्त्र देख के बच्चे फाइनल के बोलेंगे और टाइमलाइन फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंडेस मतलब कोई भी कंपनी अगर नॉन बैंक नॉन एनबीएफसी नॉन इंश्योरेंस है तो वन फोर सिक्सटीन अगर नेटवर्क पाँच सौ करोड़ उससे ज़्यादा है तो फेज वन कहलाता ही है और अगर वो लिस्टेड है भले ही नेटवर्क पाँच से कम है कितनी भी है नेगेटिव है तो वन लिस्टेड नहीं है और नेटवर्क पाँच सौ या उससे ज़्यादा भी नहीं है तो टू फिफ्टी या उससे ज़्यादा हुई तो वन फोर सेवेंटी अदरवाइज नहीं आप पे लगेंगे तो होल्डिंग सब्सिडी ये भी एसोसिएट पे लगेंगे और वॉल्टरीली आप लगाना चाहो तो आपके होल्डिंग सब्सिडी ये भी एसोसिएट सब फॉलो करेगी ये पूरे नियम बैंक पे नहीं लगेंगे इंश्योरेंस पे नहीं और एनबीएफसी पे नहीं एनबीएफसी में सेम प्रोविजन है पर दो साल डिफॉल्ट है एफआर का पावर कार्ड में ऐड नहीं हो रहा एक बार मेल कर दो वो अलग से लिंक दे देंगे उस पर कर लीजिएगा चलिए जिम्मी शेयर गॉट दिस कमेंट डाल लिया रहा है इस बार लेकिन अब थोड़े से सफ़ेद हो गए अपने उसने कलर कर लिया है ब्रेक का समय क्या होगा बहुत ही सिंपल है अपना लॉजिक सेवन टू नाइन विल बी द फर्स्ट सेशन देन वी इलाव अ गुड 30 मिनट्स मस्त ब्रेक एंड देन 9:30 थर्टी टू इलेवन वी लाव द सेकेंड सेशन दट सेकेंड सेशन में स्टेज अप टू इलेवन थर्टी ऑन समेज थ्री पॉइंट है तो मुझे नहीं लगता वॉल्यूम वन की जरूरत है आप ऑर्डर करने की अपडेट कर लीजिएगा बाकी आपको अगर एफ आर पावर का फायदा पूरा उठाना है तो फिर आप कर सकते हो बाकी टू आप चाहो तो कर लो ड्रोन चार्ट को भी फॉलो कर सकते हो विद द बोट नोट्स मस्ट नहीं ड्रोन चार्ट डिसकंटिन्यू क्यों किए गए हैं और ब्रह्मास्त्र आप देखोगे नहीं तो आप देखेंगे कि उसमें ही हमने चार्ट को इनकॉर्पोरेट कर दी यू मॉर्च दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड्रॉइड वाले सारे इश्यूज टीम से मैनेज कर लीजिए टेस्ट डेली होंगे क्या डेली दोगे क्या तो ले लू हाँ यार बात करते हो तीन दिन में होंगे वो देना पहले फिर बताना हर तीन दिन में होंगे बेटा अप्रोक्स क्रिडेंशियल वगैरह के मेल सारे आप लिखते जाओ चैट में तो क्या होएगा ऑफिस वाले देख के आपको देते जाएंगे दे, दे देंगे आप चिंता मत करो नेटवर्क 2014 से कंसीडर करने का रूल्स में कहा गया कि भाई आपको तब से ही पता पड़ जाएगी आपको इंडेज लगने वाले हैं या नहीं लगने वाले मैंने टेस्ट पेपर सब्सक्राइब किए कौन से पेपर में कौन सा चैप्टर है वो नहीं मिल रहा है नो no प्रॉब्लम उसका एक शेड्यूल बना के पेपर्स में ऐड करवा के शेयर कर दूंगा नोट कर लेता टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि अपने पार्ट टेस्ट पेपर में कौन से में क्या क्या कवर है अदर इंडियाज की ब्रह्मास में काफ़ी टाइपो एरर है, है तो आप बता दीजिएगा होना नहीं चाहिए अगर आपने अभी रिसेंटली लिए तो जो इनिशियल फर्स्ट वर्जन आया था उसमें ज़रूर थोड़ी बहुत थी चलिए कंपनी अनलिस्टेड है हैविंग अनलिस्टेड हैर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन ऑफ तीन सौ करोड़ थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन ऑफ दो सौ करोड़ एंड दिस रिमीन सेम टिल दो हज़ार सत्रह तो क्या उसके ऊपर इंडेज लगेंगे तो टू फिफ्टी करोड़ की उसकी नेटवर्थ हो गई है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोटीन तो इसका मतलब तय हो गया कि एक चार सत्रह पे तो लगना ही है उसके वन फोर सेवनटीन से लग जाएंगे उसके ऊपर इंडेज भले ही बाद में नेटवर्थ कम हो गई इस तरह का ऐसा है कॉरपोरे मज़ा आ रहा है थैंक यू वेरी मच सौम्या मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऐशांत सच दे लक्की टू स्टडी विथ यूर लाइफ सर एम आई एम फीलिंग वेरी लक्की टू इंटरेक्ट विथ यू गाइस कैन यू सेंड द शड्यूल ऑफ एफ आर पावर ऑफकोर्स वाई नॉट इन द टेलीग्राम टूडे चलिए दोस्तों तो अब आते हैं अपन अपने अगले डिस्कशन पे और ये होगा इंडेस वन विद्यूल थ्री और शेड्यूल थ्री में ध्यान रखेगा इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली गाइडेंस नोट को आपके मोड्यूल में शामिल किया अपन पहले से ही गाइडेंस नोट कवर करते आते थे लेकिन इंस्टीट्यूट पहले उसे स्पेसिफिकली मॉड्यूल में शामिल नहीं करता था अब स्पेसिफिकली मॉड्यूल में उसको शामिल कर दिया इसलिए आपके ब्रह्मास्त्र के नोट्स में भी उसे स्पेसिफिकली डाल दिया गया जितने भी बच्चे ब्रह्मास्त्र के अपडेटेड वर्जन लेना चाह रहे हैं या नहीं ला चाह रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं वो आज का लेक्चर देख के थोड़ा सा एक आइडिया भी ले सकते हैं कि चेंजेस किस एक्सटेंड तक के हमें आपको पता पड़ जाएगा उससे चलिए ओके okay, अब आते हैं अपन इंडेस वन तो इंडेस वन शुरू करने के लिए अपन पहले शेड्यूल थ्री से शुरू करते हैं इनफैक्ट शेड्यूल थ्री में फॉर्मेट दिया गया और इंडेस वन में बाकी सारी चीजें कि भैया अकाउंटिंग पॉलिसी आप क्या लोगे कैसे लोगे मटिलिटी की क्या मतलब है ऐसी सारी बेसिक चीजें भारत में कैसा है ना दोस्तों रैंजल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में दिया गया और इंडेस में ही जबकि एफ में हो वह एफ में दिया उसका कारण क्या है क्योंकि इंडिया में सिर्फ कंपनीज पर ही इंडेस लग रहे तो हमने एक्ट नहीं दे दिया और एक्ट के थ्री में तीन डिवीजन है डिवीजन वन में फॉर्मेट दिया गया स्टेटमेंट्स का जो एस फॉलो करती है टू में इंडेस का और डिवीजन थ्री में एनबीएफसी का जो इंडेस फॉलो करती है वो एनबीएफसी आपके एफआर के सिलेबस में सिर्फ डिवीजन टू है ऑडिट के सिलेबस में डिवीजन थ्री एनबीएफसी ब्रीफली कवर्ड है और ये अपने सिलेबस में नहीं है ये जो फॉर्मेट है ये बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो शेड्यूल थ्री के किसी भी डिवीजन की कोई भी रिक्वायरमेंट से स्पेसिफिक कंपनी या सेट ऑफ कंपनी को एग्जाम कर सकती है लेकिन एनबीएफसी पे डिवीजन थ्री लगेगा सेक्शन एड कंपनी पे इंडेक्स भी लग सकते हैं अगर उनका नेटवर्क क्राइटेरिया मीट हो जाए और इनके ऊपर शेड्यूल थ्री के फॉर्मेट भी लगेंगे डिवीजन वन और टू बस इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय और ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्वेश्चन ऑडिट के पेपर में आ चुका है जिसमें उन्होंने बोला था कि एक सेक्शन एट कंपनी है नेटवर्थ उसकी पाँच सौ करोड़ रुपए उससे ज्यादा है और उसके ऊपर इंडेक्स लगना चाहिए ऐसा ऑडिटर बोल रहा है पर कंपनी बोल रही है हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हम पे इंडेक्स नहीं लगेंगे आपको बोलना होगा वही कि इंडेस रूल्स में ये नेटवर्थ का क्राइटेरिया है इसमें सारी कंपनी एक्सेप्ट एन बैंक इंश्योरेंस है सेक्शन एट एक एक्सेप्टेड नहीं एक्सेप्शन में नहीं है इसलिए उसके ऊपर भी लगेंगे अगर आपकी सब्सिडरी या जेवी या एसोसिएट कुछ भी है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे भले ही सब्सिडी फॉरेन सब्सिडी जे वी एसोसिएट फॉरन जे वी एसोसिएट हो भले ही साल में थोड़े समय के लिए हो पूरे साल नहीं हो भले ही एक हो एक से ज्यादा नहीं हो सी एफ एस अनिवार्य है हैं और शेड्यूल थ्री के अनुसार ही बनाना है अनल आपके पास स्पेसिफिक एग्जामेशन है जो हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे ध्यान रखना लॉ और इंडेस में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो लॉ जीतेगा यानी आप लॉ की बात मानोगे इसका मतलब अगर आर बी आई और एन बी एफ सी केस में इंडेस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और शेड्यूल थ्री में तो सबसे पहले आर बी आई की बात मानना फिर इंडेस फिर शेड्यूल थ्री ऐसे तो शेड्यूल थ्री लॉ है तो टेक्निकली शेड्यूल थ्री प्रिवेल करना चाहिए इंडिया पे और शेड्यूल थ्री में ही लिख दिया गया है स्पेसिफिकली इंडियज ओवर शेड्यूल थ्री एक्सेप्ट लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट जो मैं शेड्यूल में और इंडेज में दूसरे प्रोविजन और इंडियज में कॉन्फ्लिक्ट तो दूसरे प्रोविजन को फॉलो करोगे हालांकि इनके बीच में कभी कॉन्फ्लिक आएगा नहीं क्योंकि शेड्यूल थ्री का उद्देश्य सिर्फ डिस्क्लोजर प्रिस्क्राइब करना है अकाउंटिंग बताना नहीं है और डिस्क्लोजर में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप दो डिस्क्लोजर देके मैच कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक एग्जांपल है आपने एक डिवेंचर खरीदा तीन साल का रिडम्शन पीरियड तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसे परमानेंट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा अगर आप इसे तीन साल तक होल्ड करने का उद्देश्य रखते हैं और एज पर शेड्यूल थ्री ये नॉन करंट एसेट होगा शेड्यूल थ्री में सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन करंट नॉन करंट का ही होता है तो शेड्यूल थ्री के हिसाब से नॉन करंट है और एएस के हिसाब से परमानेंट इन्वेस्टमेंट है लेकिन यह पोजीशन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन पे है सेवनटीन पे पर एटीन पे नहीं है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन में इसे टू ईयर थ्री मंथ हो चुके हैं यानी कि इसके नौ महीने का होल्डिंग पीरियड बाकी है इसलिए शेड्यूल थ्री के अनुसार यह करंट असेट हो जाएगा आपको तो मालूम होगा बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन होता है पर एस के अनुसार ये अभी भी परमानेंट इन्वेस्टमेंट ही रहेगा क्योंकि तो एस क्या कहता है कि अगर आप तीन साल का इन्वेस्टमेंट लेके रखे हो बारह महीने से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड वाला इन्वेस्टमेंट तो अगर आपका इंटेंशन चेंज नहीं है और शुरू से आखिरी तक होल्ड करना ही है तो वो शुरू से आखिरी तक परमानेंट ही दिखेगा तो आप एक तरफ उसे परमानेंट यानी नॉन करेंट बोल रहे हो जबकि इधर आप करेंट दिखा रहे हो जो कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं तो ई कहता है कि भैया आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी परमानेंट वाली होगी डिस्क्लोजर देना होगा इतने परमानेंट इन्वेस्टमेंट है आप कर लीजिए जैसा ए एस एंड एस कह रहे हैं वैसा पर क्योंकि शेड्यूल थ्री से करंट में दिखाना चाहता है तो आप करंट असेट में दिखा दें और डिस्क्लोजर में दे दें कि भाई करंट असेट में वो परमानेंट इन्वेस्टमेंट भी शामिल है जिनका रिमेनिंग होल्डिंग पीरियड बारह महीने से कम है तो अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप दोनों के डिस्कक्लोजर या प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट मीट करके मैच कर सकते हो तो यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट आने की बात नहीं होगी और फिर भी अगर आ गया तो किसकी बात मानना इंडिया की ना कि किसकी शेड्यूल फॉर्मेट सिर्फ दो चीजों के दिए गए बैलेंस शीट के और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के इसके अलावा आप देखोगे तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो इसका कोई फॉर्मेट दिया नहीं है ये पूरा इंडिया के अनुसार बनता है हालांकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट आपको दिया गया किसके साथ बैलेंस शीट के साथ ध्यान रखना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कभी एमसीक्यू आ जाए ऐसे तो आएगा नहीं बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है लेकिन यह तीनों चीजें फॉर द पीरियड एंडिंग बनती स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज एन अनेक्श टू द बैलेंस शीट और नोट टू द बैलेंस शीट क्योंकि इसका क्लोजिंग बैलेंस आपका इक्विटी और अदर uh, इक्विटी का बैलेंस बताता है पर ये बनता फॉर द पीरियड फॉर्मेट आपको बैलेंस शीट का दिया है पी पीएंडल का दिया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का दिया है इसका फॉर्मेट नहीं दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो इंड सेवन के अनुसार बनेगा सिमिलरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं दिया है पर इंस्ट्रक्शन दिए है कैसे बने और इन सब के अलावा आपको नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना होता है नोट्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बैलेंस शीट में कोई चीज बताइए उसे डिटेल में बताना है यानी डिसएग्रीगेट करके चीजों को बताना है तो नोट्स में बता सकते हो कोई एक्सप्लेनेशन आपको देना है तो आप नेरेटिव फॉर्म में पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अदरवाइज प्रेजेंट नहीं हो रही है और आपको बताना है कि एसिड मैंने गिरवी रखा है अब ये तो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है पर बताना है तो ये सब भी नोट्स में दी जा सकती है नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट माने जाते इस पूरे डिस्कशन में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है राउंडिंग ऑफ इसके ऊपर डेफिनेटली एमसीक्यू आ सकता है आएगा तो सब आएगा कि एक कंपनी है जो करोड़ में राउंडिंग ऑफ करना चाह रही है अपने फिगर्स का क्या वो कर सकती है नियम है अगर आपकी टोटल इनकम सौ करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपकी राउंडिंग ऑफ करोड़ तक में हो सकती है अदरवाइज मिलियन से ज़्यादा में राउंडिंग ऑफ नहीं होगी और मिनिमम हंड्रेड्स में करना पड़ेगी और ये मैंडेटरी है आप लोग ऑफिस में भी आजकल ए वाली वैलेंस जीट भी बनाते हो तो उसमें भी मैंडेटरी हो गया इंडेक्स में पहले से ही था तो कोई भी बैलेंस शीट वी एंड एल में कंपलसरी है कि हंड्रेड में राउंडिंग ऑफ करना है मिनिमम और मैक्सिमम मिलियन्स यानी दस लाख में होगी लेकिन अगर आपकी कंपनी की टोटल इनकम हंड्रेड करोड़ रुपीज या उससे ज़्यादा है तो फिर आप मिलियंस में भी राउंडिंग ऑफ कर सकते हो और चाहो तो करोड्स में भी कर सकते हो लॉजिक सिंपल सा है कि भाई सौ करोड़ के ऊपर की है और अगर आप हंड्रेड करोड्स में राउंडिंग ऑफ करोगे तो रेवेन्यू सौ तो दिखेगा तो 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 पर एक कंपनी का लच्चे फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू पचास लाख है और वो करोड़ों में राउंड ऑफ कर देगी तो कैसा अजीब सा दिखेगा पॉइंट फाइव रेवेन्यू खर्चे ज्यादातर सब डेसिमल में आएंगे तो इसके लिए ये नियम डाला गया राउंडिंग तो ऑफ मिनिमम कितने में होगी हंड्रेड्स हर कंपनी जो इंडिया फॉलो करेगी मैक्सिमम कितने में होगी मिलियंस एक्सेप्ट कंपनी जिसकी टोटल इनकम सौ करोड़ या उससे ज्यादा है वो करोड़्स तक में राउंडिंग ऑफ कर सकती है क्या राउंडिंग ऑफ सारे स्टेटमेंट की एक जैसी होना चाहिए ऑबियसली बात है आप बैलेंस शीट बी एंडल में अलग अलग राउंडिंग ऑफ यूज नहीं करें क्या हर साल एक जैसी होनी चाहिए तो शेड्यूल थ्री कहता है कंसिस्टेंट बेसिस यूज करना चाहिए चेंज कर रहे हो उसका रीजन है तो ठीक है बट ऐसा नहीं कि हर साल आप फ्लक्चुएट करते रहेंगे बाकी आपकी चॉइस है कि आपको राउंडिंग ऑफ किस मल्टीपल में करना परमाइट शेड्यूल थ्री का फ्लेक्सीबल है यानी कि आप कोई चीजें एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर आप मत बताइए चलेगा एप्लीकेबल जो है वो बता दीजिए इस तरह से देना तो ये आपके कुछ शेड्यूल थ्री से रिलेटेड इनिशियल बेसिक थ्योरेटिकल टाइप के पॉइंट्स हैं डिस्कलोजर के क्योंकि एमजी के बन सकते हैं तो एक बार अपन ने कवर कर लिया मेन जो अब अपना डिस्कशन होने वाला है दोस्तों शेड्यूल थ्री के ऊपर दैट इज ऑल गोइंग टू बी विद रिस्पेक्ट टू करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब मैं मार्क करा दूंगा अब तो अपन एक काम करते हैं अब ब्रेक का समय क्योंकि ये टॉपिक अगर अपन टाइएंगे तो इसमें समय लग जाएगा तो लेट्स आफ्टर द ब्रेक एट नाइन फिफ्टी तो अब ये वाली स्ट्रीम में क्या करूंगा क्लोज कर दूंगा न्यूज स्ट्रीम एंड दिस न्यूज स्ट्रीम आई विल शेयर वंस अगेन ऑन योर टेलीग्राम चैनल और वहां से फिर अपन इसे कंटिन्यू कर लेंगे दैट इज गोइंग टू बी आर पोस्ट ब्रेक स्ट्रीम या इसी में चलने दें ठीक है तो इसी में चलने देता हूँ स्ट्रीम नहीं, नहीं कर लेते हैं कोई मतलब नहीं है नाइन फिफ्टीन इज वेन रिज्यूम विद द न्यूज स्ट्रीम Thank you.